إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك

पिछले साल दुआ 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 दुआ, दुआ की ताकत था ऐसे लग रहा था कि सारा कुरान दुआ बन गया और मुझे ऐसे महसूस होता था कि कहीं मैं मैंट तो नहीं कर रही इतना कुरान में दुआओं का जिक्र है दुआएं इतनी हैं और यकीन कीजिए कि आज अगर आप मेरे दिल को खोल कर देखें तो बस आपको एक ही पुकार मिलेगी कि रदी अल्लाह खशी और ये कुरान एक ऐसे कुएं की तरह है कि जितना आप इसकी गहराइयों में इसकी तहों में घुसते जाते हैं उतना अल्लाह सुहान तला इसमें आपके लिए बरकत देता है तो मैं बड़ी ही आजसी से बड़ी ही मोहब्बत से दिल के बड़े खूबसूरत जज्बात से शुरू करूंगी मैं आप सबसे भी यही चाहूंगी कि आप सुनने पर गौर करें देखने से मरूब होने से क्या हो रहा है स्लाइड्स पे क्या है इधर के छोड़ दीजिए इन सब चीजों को सोचिए हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं ये आपकी मेरी हिदायत का सफर शुरू होने पढ़ते हुए आपको साथ ही लूंगी ताकि हम सब एक एक मिनट का हक हाँ अदा कर सके दूसरों से बेनियास हो यहाँ बैठे हुए सब अपने फोन्स बंद करके बैग्स में रख दें अब साफ है और आपका सीखना है कागज कलम आपके हाथ में है और दिल में तलब और तड़प है तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ देना है और अल्लाह मुझे देने वालों में और लेने वालों में बना दे नखमत रबी बिल खैर अल्लाह तौफ़ी और उसकी रहमत से हम दौरे कुरान दो हजार तेईस dq 2023 का आगाज करेंगे और अल्लाह ताला तो का शुक्र अदा करते हुए सारी तारीफ सारे शुक्र सारे नजराने, सारे दिल के खूबसूरत जज्बात उसके लिए हैं रब् बियसर वला तुसिर वतमिम बिलखैर कहते हुए दिल में ये ख्याल है कि अल्लाह सिर्फ आसान तो करेगा हमने हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं है अल्लाह सहल मा जलता सहलम व अन खसन सहलन इजा शीता तो रबी यसर वला तो असर वतमिन बिल खैर सबसे पहले कुछ बात करूंगी और आन की आज पहला दिन है पहला पारा है तो कुछ चीजें तमहीदी नोयत की आपके सामने रखते हुए इन आपको लेके चलूंगी पारे के ऊपर भी और हम किस स्टाइल से करेंगे ये दौरा कुरान वो भी बताऊंगी अभी आपको बस मुझे इस वक्त आपका अंदर का खा, अंदर की खामोशी चाहिए बाहर तो बहुत खामोशी अल्लाह की रहमत से लेकिन पेज के पलटने से लेकर हमारे बैठने से हमारे सुनने से हमारे चीजों को देखने से महसूस हो जाता है कि हमारे अंदर क्या है ठीक है तो मैं इस वक्त अगर अपने इस सारे काम के दौरान आपको हंड्रेड परसेंट फोकस होके देना चाहती हूँ ना तो मैं चाहती ही हूँ कि आप भी हंड्रेड परसेंट फोकस पे ले लीजिए क्योंकि जिस तरह बल्कि जुमला आज से लिख लो और हर दिन अपने आप को रिमाइंड कराइएगा कि जिस तरह अल्लाह तला की जात शिरक से पाक है इसी तरह अल्लाह तला का कलाम भी शिरक से पाक है जब हम ला लाला कहते हैं तो ये सिर्फ अल्लाह के इलाह होने पे नहीं आता बल्कि बल हुआ कलाम अल्लाह, जो अल्लाह तला का कलाम है ये कुरान पाक है इसके लिए भी यही काम है तो कुरान क्या है ये एक रब्बानी दस्तरखान है और आप और मैं इसमें से फल मेवे खाना ताकत चुनने वाले हैं अल्लाह ने रूह के मुरक्के को इंसान कहा है या इंसान। इंसान और जो अल्लाह ताला ने बनाया, वो जिसम रूह का मजमु है हम अपने जिसम के तकाजों के लिए सारा साल सारा दिन जो गर्मी सर्दी यानी हर मौका कहने का मतलब ये है हम इससे फायदा उठाते रहते हैं लेकिन बिल्कुल इसी रब ने जो हमारी रूह बनाई है तो कुरान रब्बानी दस्तरखान है पहली बात लिखी आज की कि जिस तरह जमीन को अल्लाह ने महत बनाकर और एक हमारे लिए अनाज देने वाली खूबसूरत सी फैक्ट्री बनाकर हमारे पांव के नीचे बिछा दिया और अल्लाह ने पिछली सूरतों में आखिरी पारे में खास तौर पर जमीन की कस्में भी खाई और इसके बारे में बहुत कुछ कहा तो ये सब हमारे मादी वजूद को टैकल करती हैं एंटरटेन करती हैं हमारे मादी वजूद हमारे मटीरियल स्ट्रक्चर की खिदमत करती हैं इसी तरह हमारी रूह आसमानों से आई थी वनफक् तो भी हमें रूह ही और उस रूह की खुराक के लिए अल्लाह ताला ने ये रब्बानी दस्तरखान रखा है आज से आप अपने कुरान का एक और नाम रख लीजिए कि ये रब्बानी दस्तरखान है दस्तरखान अगर मुश्किल लग रहा है टेबल क्लॉथ जिस पे बैठ के खाया जाता है कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं कुछ ज़मीन पे कपड़ा बिछाते हैं अब तला की यह किताब हकीक़त में बहुत ही अपनी जगह पे खूबसूरत किताब है हमने जब तक इस किताब को ना समझा हम बाकी चीजें कहाँ समझेंगे और हमारे अंदर इसकी ताकत ही नहीं है तो कुरान क्या है, है तो एक अला तरीन इलमी किताब लेकिन इसमें इंसान के इल्म और अकल की पूरी रियायत रखी गई है दुनिया की बहुत सारी जो किताबें होती है ना उनका मुख्तलिफ स्लूब होता है कोई साइंस की किताब है तो कोई फिक्शन है तो किसी में मैथमेटिक्स है तो किसी में कुछ है पहला सवाल और मैं आप सबको आज पहले इस दिन फिर बता दूँ हर साल कहती हूँ कि दौरे कुरान में मेरे मुखातबीन को इल्माले नहीं होते कोई बहुत अमल वाले नहीं होते कोई बहुत तकवा वाले नहीं होते मैं तो बिल्कुल अपने ऊपर क्यास करते हुए आम इंसानों से बात करती हूँ चाहे वो किसी हाल वलिए में है किसी कपड़ों में है उनकी आदत क्या है वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते उनको कुछ आदत है कुछ गलत चीजें देखते हैं सुनते हैं मेरा मुखातिब वो है तो मुझे ऐसे लोगों को एक सवाल का जवाब देना है कि आखिर हम ये कुरान क्यों पढ़े आखिर इस कुरान में है क्या तो ये आपका ये फूड ऑफ सोल है आज तो नहीं लेकिन कुछ दिन सुनने के बाद आप जरूर कहेंगे कि कुरान रूह की गजा है और इस रुख की गजा को लेने के लिए आप पर मैं यहाँ बैठी हूं अफसोस की बात है कि जितना इल्म आम हो गया जितना इल्म वालों ने इस पे वक्त ज्यादा लगाया हमारी जुबानें उतनी मुश्किल हो गई सख्त हो गई हमने इस कुरान को दीनदारों की किताब बना दिया आलिमान आलिम बनने वाली किताब बना दिया हालांकि हकीकत यह है कि कुरान तो एक बद्दू को भी मुखातिब करता है कुरान तो उसके लिए भी आया कि जिसको अपना नाम भी नहीं लिखना आता कुरान तो उस शख्स के कल बेहतर पे नाजिल हुआ कि जिसको मोहम्मद के आगे रसूलुल्लाह का लफ्स भी जानने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ी तो आपकी मेरी रूह की गजा बन जाए ये ये है मुराद ना ये फिक्शन है ना ये सियासत है कुरान का बुनियादी टॉपिक क्या है यह आपको मुझे मुखातिब करती है दुनिया की कोई किताब आपका नाम लेके आपको नहीं पढ़ाती लेकिन कुरान आपका नाम लेता है कभी या या कभी कभी इंसान कल करीम तो क्या पता चला कि आपकी मेरी किताब है फी ही जिक्र कुम इसमें तो तुम्हारा अपना तस्करा है और जिस चीज में इंसान का अपना जिक्र हो उससे मोहब्बत कितनी होती है किसी अखबार में आपकी तारीफ छप जाए तो आप उसको संभाल के रख दें किसी जगह आपका आर्टिकल छप जाए कोई आपकी बात कर दे तो क्या बात होगी तो कुरान पाक में मालूम भी हैं तकरार भी है लेकिन इस किताब को लोगों ने झगड़ों की वजह भी बना दिया लेकिन असल में इस किताब में रूह की गजा आपके मेरे मादी वजूद को भी ये किताब टैकल करती है लेकिन हकीकत यह है कि ये आपकी मेरी रूह को सैर करती है मेरे पास हजारों लोगों की गवाहियां मौजूद हैं कुरान पढ़ने के बस खून आ गया आप में से हर एक जो बेसकून है ये उसके लिए है आप में से जो परेशान है ये किताब कुरान का मुसनिफ़ अल्लाह है ये, ये, ये दुरुस्त जुमला नहीं होगा कुरान एक दावती किताब है अगला जुमला लिखिए दावत की किताब है अल्लाह ने अपने एक बंदे को सातवीं सदी ईस्वी के सुलस अव्वल में एक ख़ास कौम के अंदर अपना नुमाइंदा बनाकर खड़ा किया और इसको अपने प्याम की प्याम बरी के लिए मुकर किया और वो शख्स था मोहम्मद <मुँँद> बिन अब्दुल्ला वसल्लम अल्लाह तला ने इक्रबिस में रब्बी का किया याद के साथ ही उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह में ढाल दिया तेईस साल में अल्लाह ने उनसे एक काम लिया जो दावत के रास्ते से शुरू हुआ और बिल आखिर फिर जितो जिहाद और किताल तक पहुंच गई और पुरान तरीके से इन न हम मुबीना पे मक्का फतह होता है और उसके बाद यथ खुलू नन्ना सफीदी ना अफवाजा आपकी हयात तयबा के आखिरी दिनों में लोग लो जौक दर जौक आने लगे आपकी जिंदगी में निज़ाम बन गए सिस्टम बन गए और उस खालके में रंग भरा आपके खलप राशिदीन ने और उसके बाद आपके सहाबा ने आप कह सकते हैं कि कुरान एक अबदी रहनुमाई की किताब है जो आज से चौदह सौ साल से लेकर आज तक एवर न्यू है आसमान को देखकर आपको पुराना नहीं लगता सूरज आपको पुराना नहीं लगता चांद आपको पुराना नहीं लगता तो आप कैसे कह सकते हैं कि चौदह सौ साल पुरानी किताब कभी किसी का दिल चाहा कि हाय हाय इतना पुराना आसमान है बदल दिया जाए तो लिखिए जिस रब की कायनात एवर न्यू है उसकी किताब भी न्यू है कुरान अल्लाह का कौल है और कायनात अल्लाह का फेल है और उसके कौल और फेल में कोई भी जदोबदल नहीं है आप और मैं इस वक्त कोई इल्मी बातें नहीं करने वाले इस साल दर कुरान में मेरा अंदाज़ तस्की होगा आपको हर एक रुकू के बाद तस्कीर का अंदाज दूँगी लेकिन आपको मुझे यहाँ कम अज कम इस रब्बानी दस्तरखान से कुछ लेने के वक्त नियत करते वक्त इस चीज़ का इरादा तो कर ही लेना चाहिए ना कि आखिर कुरान का मकसद नजूल क्या था वाहिस्म तस कुरान तो इसका जवाब सिर्फ एक जुमले में है अब हसब तुमनामा खलनाकों वन्ना को मिले ना ला तुर जाओ सुरत मुमिन उनके आखिरी रुकू की आयत है दो सवालों का जवाब क्या बस हमने तुमको मकसद हयात नहीं दिया क्या हमने तुमको अबस पैदा किया बेकार पैदा किया और दूसरी बात है क्या तुम हम हमारी तरफ पलट के नहीं आओगे क्या तुमसे सवाल जवाब नहीं होगा तो इन दो सवालों का जवाब कुरान आपको देता है मैं इस दुनिया में क्यों आई वट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ और दूसरा जवाब क्या है कि जाना किधर है आज छोटा बच्चा भी माँ से पूछता है मामा मैं कहाँ से आया हम कौन है हम कहाँ से आए हमारे सब मरने के बाद क्या होगा ये सवाल तो हमें भी परेशान करता था मुझे अपने दिन आज भी याद है कि सोच के बाद फिर थक जाती थी कहती थी अब और नहीं सोचना हूँ हाल फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा और बस इसी सोचों में इंसान को जाता है तो अल्लाह सुबाना तला ने इस दुनिया में इंसान को पचास साठ सत्तर साल की उम्र दी जबकि सूरज चांद सितारों को कई हजारों साल की उम्र दी हुई है तो वो इंसान जिसके लिए सब कुछ पैदा किया खल खल उम्मा फिलर दीच मियाँ वो तो पचास साठ साल जिए और उसके खादिम और खिदमत गार हजारों साल जिए ये है वो सवाल जो इस बात की सोच देता है कि नहीं ये दुनिया अधूरी है इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया बसाई जाएगी यहाँ तुम टेम्परेरी हो यह दुनिया एक मॉडल है इस दुनिया में तुमको एक ट्रायल और एक ट्यूटोरियल के तौर पे रखा जा रहा है असल बात है कि तुम्हारा असल इंजाम वो होगा जहाँ तुम्हें एक बार दाखिल कर दिए गए तो फिर तुम वहां से कभी निकलना ना चाहोगे आप और मैं इस दुनिया में उस आखरत की दुनिया के घर वहां की जगह वहां के स्टेटस को सेट करने के लिए भेजे गए इससे आसान क्या बताऊं आपको लफ्स भी मुश्किल है मकसद ए हयात परपस ऑफ लाइफ भी मुश्किल लगता है तो सादा सा जुमला ले लीजिए हम इस दुनिया में क्यों हैं मैं क्यों हूं आज 2023 आज याद रखने के लिए रख लीजिए 20 मार्च को हमारा ये दौरा कुरान पहला पारा शुरू हो रहा है आखिर आज इस 23 सेंचुरी और 24 जो शुरू हो रही है अल्लाह ने मुझे क्यों रखा हुआ है तो उसका जवाब कि इस जिंदगी में मैं और आप उस ना खत्म होने ली आखरत की करवा सकें, वहां जगह ले सकें और फमैया मल मिसका अल्लाह करे आप कर मेरे साथ ही हो छोटी से छोटी जो नेकी आज आप और मैं कर रहे हैं या हमसे कोई दूसरा करवा रहा है बाय हुक कर बाय कुछ नहीं कि हम अपने शोर से करते हैं कुछ बेशौरी में करते हैं ये सब कल आखरत पे असर अंदाज़ होंगी लिखिए आज का जब आपका मेरा एक क्लिक आपकी मेरी एक लुक आपकी मेरी एक विजन आपका मेरा एक तजस आपका मेरा एक एटीट्यूड आपका मेरा एक अब तह चढ़ाना किसी को एक तो एक कहना कहना तो अच्छा या बुरा ये कल आपके मेरे मार्क्स पे असर अंदाज़ होगा बिल्कुल स्टूडेंट जो अपने पेपर में मार्क्स लगाता है लफ्स भी लिखता है वहां कोई पुतला सा बना देगा ना उसका भी उस पर इफेक्ट होगा तो आपका मेरा अमल जैसा दुनिया में वैसा होगा हाँ जो अच्छे काम करेंगे वो जन्नत में और जो बुरे काम करेंगे वो जहन्नम में। दुआ कीजिए कि अल्लाह आप मेरे में से कोई एक भी ऐसे लोगों में ना आ जाए कि जिसको अपने बुरे अमाल की करतूत की सजा भुगतनी पड़े कुछ काम हम ऐसे कर लेते हैं जो हम खुशी से करते हैं कुछ अल्लाह हमसे वैसे ही करा लेता है कुछ चीजों को हम ढूंढ रहे होते हैं कुछ चीजें हमें ढूंढ लेती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं कि जन्नत उनको ढूंढती है अभी नहीं बात मैं बताऊंगी इसी इसी दौरे कुरान में आप मुझसे सवाल पूछिएगा कि आखिर वो कौन से सहाब है फिर इनको जन्नत ढूंढती है यहाँ बस इतना समझ लीजिएगा कि आप पर मैं जन्नत को ढूंढ रहे हैं कि आपकी मेरी तलब है जैसे भी कर सके जान लगा के माल लगा के वक्त लगा के नेमते दे के या फिर जन्नत हमें ढूंढ रही है खुशकिस्मत वो होते हैं जिनको जन्नत ढूंढ रही होती है वो चलते हैं किसी और राह में और उनको बुला कहीं और जाता है और ये कुरान आपको मुझे एक बात बताता है खास तौर पर इंडो बाघ में रहने वाले हम सब सुन लें जिनको आदत हो गई मसाइल की मसला हाई बिजली का मसला पानी का मसला गैस का मसला मच्छरों का मसला महंगाई का मसला मसला पेट्रोल महंगा दूध महंगा ये ये कुरान आपको मुझे बताता है कि सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ी फिक्र फिक्र आखरत है। ये दुनिया तो रोध होके भी गुजर जाएगी खुशी से भी गुजर जाएगी लेकिन वो कहते ना कि मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे अगली जिंदगी में बुरे इंजाम से बचने के लिए आपने मैंने क्या करना है वो इस कुरान में है तो कुरान फहमी की शराय आप और मैं शौर के साथ इसको सुनेंगे इसको बिल्कुल कैजुअली नहीं सुनेंगे सेकंड चॉइस रख के नहीं सुनेंगे साथ कुछ और कर रहे हैं और साथ सुन रहे हैं नहीं करेंगे बैठ के मुसफ सामने खोल कर देखेंगे क्योंकि ये आपका काम है इट्स योर हेल और हेवन इट्स योर गुड और बैड रिजल्ट तो कमरे इम्तिहान में बैठा बच्चा केयरलेस नहीं हो सकता आप और मैं केयरलेस नहीं हो सकते अल्लाह ने कायनात में एक किताब खोली हुई है फितरत की किताब उसको भी गौरव फिक्र से देखे ना तो हमें बहुत कुछ समझ आता है कहाँ इस कुरान को देखे कहाँ मक्का के उस सहरा में एक शख्स को अल्लाह ने छोड़ा पैदा किया और वहाँ से वो अपना पैगाम देता है कोई माइक नहीं है उसके पास कोई उसका सोशल मीडिया नहीं है कोई उसके पास रिसोर्सेस नहीं है कोई माँ के बड़े वैसे बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है कोई उसका उस्ताद नहीं है कुछ भी तो नहीं है लेकिन कहाँ से उसका पैगाम उभरा और चलते चलते पूरी दुनिया में फैल गया आज 120 प्लस मुल्क दो बिलियन मुसलमान एक शख्स के नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर खुद को वीर मुस्लिम कहने वाले ये क्या सच्चाई थी मोहम्मद आरबी का पैगाम कैसे फैला क्या पोटेंशियल था ईमान सच्चाई लाही हयत मेरा ईमान है कि आज ये जुमले मेरे निकलते हुए मेरे अंदर जितनी सच्चाई होगी ना मेरा ईमान है कि ये बातें कहने के दौरान मैं जितनी अल्लाह के लिए ये कामगारी होगी ना ये दौरे कुरान रहती दुनिया तक रहेगा और मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करके यहाँ बैठती हूँ गुनाहों की शामत पे ये साथियों की मेहनत जाया ना करना कहीं आवाज पर एक ना हो जाए कहीं फाइलें ना हो जाएं। इसको मरते दम तक रखना हमारे भी और कायनात तक के लिए तो लिहाजा नबसेम के इस कलाम को आपने मैंने पढ़ना है इतना कुछ पढ़ने वाले हैं कि आपको भी मैं सब बता दू तो आप घबरा जाएंगे लेकिन मैं आपको बस इतना कहूंगी किस रब्बानी दस्तर को आपने लोगों की तरह फजाइल की किताब मसाइल की किताब और सियासत की किताब नहीं समझना आज हमारे कल्चर में कुरान देखते ही लोग कहते हैं कुछ फजाइल तो बयान करो कुछ मसले मसाइल तो सुना दो अच्छा कुछ सियासत भी है देखिए ये पार्शल है ये जजी बातें ये भी हैं कुरान में लेकिन कुरान इन सब से ऊपर बढ़कर आपको मुझे जिंदगी का मकसद बताता है ये इबरत की निगाह से दिखाता है इस दुनिया को कि तुमने इधर हमेशा नहीं रहना तो याद रखिए कुरान जहनों को खोलने वाली किताब है ये सिर्फ बरकत की किताब नहीं है हाँ ये उस बंदे की जिंदगी में बरकत डाल देती है जिसने इसको खुले दिल से पढ़ा जिसके दिल में तसुब नहीं होता अगर आप इसको बंद जहन से पढ़ें और फिर बंद गिलाफों में महफूज करके रख देंगे तो ये किताब कभी आपको रूझ नहीं देगी इनशाला इस साल जो हम करेंगे कुरान उसकी चीजें भी अभी बताऊंगी आपको लेकिन इस किताब को अगर आप कहते हैं ये मसाइल का हल है तो जुल्म है इस किताब के के साथ लफ्स के साथ मसाइल ही तासर आता है कि बस ये कोई लॉ की बुक है देखिए आप में से बच्चों में आपके किसी के बच्चे को आप देखिए लॉ पढ़ता है लॉयर्स है कितनी खुश जुबान होती है लॉ की आप दो, दो चार सफेद ना पढ़े छोड़ दें आप इन मैं इस कहते हैं कि इस, मेडिकल की बुक खोल लें, दो चार सबों के बाद आपका दिल भर जाएगा ये कुरान हर साल नया मुझसे कोई पूछे कि इस वक्त मेरे पास इस कुरान का कौन सा रंग है अल्लाह की रहमत से ये बाईसवा दौरे कुरान है जो रैकेट पे है और मुझे आज रात से अब तक ऐसे लग रहा है कि मैं अनपढ़ चिट्टी बुखार हो जाता है मुझे खौफ लग जाता है मुझे कुरान जब मैंने शुरू कराना होता है क्योंकि ये खेल नहीं है वमा हुआ बिल हजल सोरेक में लगता है खेल तमाशा नहीं है तुमने इसको मजाक समझा खाते पीते खेलते कूदते और दाएं दिखाते हुए तुम इसको पढ़ोगे और पढ़ाओगे और तुमने इसको बस एक लाइफ टाइम गेम समझा हुआ चलो जी मैंने कुरान पढ़ दिया मैंने पढ़ा दिया नहीं ये कुरान बहुत बड़ी चीज है इससे ज्यादा भी कहने का वक्त नहीं है बस याद रखिए कि, कि कुरान जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो एक वो एक पुरस्कार शख्सियत बन जाता है ये काजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तू ने बख्शा सो के खुदाई आई दुनिया में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई साबा कराम साहबा कैसे बने इस कुरान को पढ़ के बने अबू बकर आए सिद्दीक बन गए उमर आए या लाए गए फारूक बन गए उस्मान आए जुन्नौरैन बन गए अली आए तो हैदर करार बन गए ये किताब तो एक मैजिक टच की तरह जो चीज़ इसके साथ लगती है उसको भी हमी बना देती है तो ये कुरान ईमान दिल में देता है और हकीकी ईमान जब आपके दिल में उतरता है वो आपकी दिल की धड़कने बनता है फिर नमाज रोज़ा आपकी ज़रूरत बन जाता है और फिर आपकी नमाज़ें साहब की नमाजें नहीं खुशू की नमाज़ें बन जाती हैं आप जिक्र ला अल्लाह अल्लाह ला, का जिक्र नहीं करते आप जुबान की तकरार जिक्र नहीं होता बल्कि वो जिक्र जो आपके दिल के तारों को छूते और सच्चा मोमिन अपने दिल की धड़कनों से वो काम लेता है जो दूसरे लोग तस्वीर के दानों से लेते हैं हर धड़कन पे उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है और एक वक्त आता है कि कुरान आपको कुर्बानी देने वाला इंसान बना देता है अस साबिकून अल अवलून से नीचे का क्राइटेरियन ही नहीं आप सेट करते लेकिन वो कुर्बानी नहीं जो गोश्त बांटने और खून बहाने वाली हो बल्कि वो कुर्बानी जो तकवा तक पहुंच जाए वला की यन अलहुत तकवा मिनकुम और फिर एक वो आता है क्या व ममायन पुना सुभयम कुस आप कहते हैं अल्लाह मुझे जाया नहीं करना अल्लाह मेरा सिर्फ फाइव परसेंट दुनिया में इस्तेमाल करा के नाइनटी फाइव कबर में ना ले जाना अल्लाह मुझे लोगों के फायदे का बना दे और फिर इस तरह इंसान दुनिया में अपने लिए सदका जारिया छोड़ता जाता है छोड़ता जाता है और एक वक्त आता है कि फिर इंसान दुनिया में बेहतरीन काम करता है इनशाला इसी कुरान में हम हजरत नो से लेकर मोहम्मद मुस्बा तक सारे अम्बिया के किस्से पढ़ेंगे नब्सलम का पैगाम जाम भी था और एवर लास्टिंग भी था और कुरान अल्लाह तला तो की नेम तो का एक खजाना है।, हाँ है, आप तो है।, है।, आप है आपके अंदर इतना गिना आ जाता है आप किसी चीज की तरफ आंख नहीं उठाकर देखते लात मुद्दन नई नई कई ला मत छोड़ देखो उन चीजों को जो लोगों को अल्लाह ने दी है क्योंकि आपकी नजर कहीं और है और एक जुमला लिख लीजिए जय बना बंदे और अल्लाह का मुकाम मुलाकात है आपकी मुलाकात इट्स मीटिंग विद अल्लाह सुबह अगर ये कुरान आपकी रुख के तारों को नहीं छेड़ता तो मुलाकात नहीं होगी फिर वो नेट नहीं मिल रहा वो सिग्नल नहीं मिल रहे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि आप किसी भी जगह जाएं तो आपका फोन या आपका लैपटॉप खुद बहुत सर्च करना शुरू हो जाता है वाईफाई सिग्नल्स को वो ढूंढ रहा होता है कि कोई सिग्नल है और अगर कभी पहले आप उस जगह गए और आपने कभी हुकअप किया ना तो कट कट करके उस पर जाके हुकअप हो जाता है और अगर आप कोशिश कर रहे हो ना तो यू क्या होता है घूमते हैं ना मेरी उंगली को देखे इसको ये जो सिग्नल ढूंढता है ना आपका गैजेट आपका फोन आपका लैब इसको अल्लाह इनाबत कहता है बंदा है मोमिन हर वक्त अल्लाह ताला से कुर्बत के सिग्नल ढूंढता है कुरान आपको वो सिग्नल देता है फिर आप महसूस करते हैं ये कैसे शर्त एक है इस कुरान को आज हम बड़ा मुख्तिर सही क्यों ना पढ़ने लगे लेकिन ये शर्त याद रखिएगा शरात नंबर एक खाली जहन से पढ़िएगा पिछली सारी मालूम को जरा सा पीछे रख दे आपने दूध भी डालना हो ग्लास में या शरबत भी डालना हो पहले से वहां कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो ना दूध दूध रहेगा ना शरबत शरबत रहेगा जमजम भी जमजम नहीं रहता अगर उस ग्लास में पहले से कुछ हो तो दिल को खाली रखिए आपको पहले जो कुछ भी पता है ना उसको जरा सा साइड पर रख दीजिए किसी कैबिनेट में संभाल दें ताब से पाक किसी पिछले एल किसी रंग से पाक होकर इसको सुनेंगे तो कुरान आपको मिसाल देगा कुरान खुद कहते वाम ना सिमय तक यो हैब्बू नुका लेकिन वो लजीना शब्बल लोगों ने तो कुछ मबूद अल्लाह के साथ ठहराए हुए हैं लेकिन मोमिन जो होते हैं ना वो अल्लाह के साथ किसी को नित नहीं बनाते वो तो बस एक अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो ये जो मद्दे मुकाबिल है ना ये फिर आपको अल्लाह से करीब नहीं होने देते दूसरी बात याद रखिएगा कि जितना भी इस कुरान को पढ़ें रोज के बारे में मैं आपको डूस भी लिखाया करूंगी साल डोट्स भी आएंगे बस दुआ साथ मांगे अल्लाह तोफीक दे दे अल्लाह तोफीक दे दे अल्लाह अमल का राही बना ले अल्लाह किरदार का गाजी बना ले गुफ्तार का ना रह जाऊँ अल्लाह बातों से ना खुश हो जाऊँ अल्लाह जैसा तू मुझे बनाना है मैं वैसी बन जाऊं आप अपनी दुआ में एक दुआ शामिल कर लें कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि जब कल तू मुझे देखे तो तुझे मुझ पर प्यार आ जाए छोटे छुण छोटे अमाल शुरू करते जाइए अल्लाह आपको बड़े अमाल करने की तोफीक भी अदा फरमाएगा और किसी से मुकाबले के लिए नहीं पढ़ना किसी को नीचा छुड़ाने के लिए नहीं निकलना नहीं भागना हाँ ये कुरान आपको अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे शराबूर कर दे कि आप जहन्नम से भागने और जन्नत की तरफ दौड़ने लग जाए आपका सबसे बड़ा मसला जन्नत या जहन्नम बन जाए और अल्लाह की बड़ाई का एहसास ऐसे हो कि वह बखर जब आपका दिल अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई में डूब जाएगा तो फिर इतनी असगर आपके अंदर और फिर इन आप खुद महसूस करेंगे बच्चे लैगोस के साथ खेलते हैं और एक वो क्या होता है जिससे गूंद गूंद के चीजें बनाते हैं प्लेडो से बच्चा दिन में कई चीजें बनाता और कितनी तोड़ता है इस वक्त खुद को प्लेडो बना रहे बोनलेस मीट आपको मेरीनेट किया जाएगा कुरान के साथ कहीं सिरका लगेगा कहीं नमक लगेगा कहीं नाइफ लगेगी कहीं आपक से खचोके लगेंगे अल्लाह से कहला मैं हाजिर बगैर हड्डी पसली के बनकर सुनेंगे गे और आप देखेंगे कि उसके बाद फिर जॉब का टेस्ट आएगा ये सबको पता और बिल आखिर आप देखेंगे कि आपका मकसद हयात वो बन जाएगा जो कि सहाबा का था आगे चलते हैं इस साल का दौरे कुरान जो दौरे कुरान 2023 आप सबके लिए एडवर्टाइज किया गया है आप सभी ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक समझ लिया है कुछ नए लोग भी अभी ऐड होंगे अभी होते ही जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये काफिला कहीं रुकेगा नहीं अभी भी इस दावत के सिलसिले को नहीं रोकेंगे क्योंकि अभी भी मेरे आपके जन्नत का टिकट नहीं आया हाथ में अभी भी ये सोच के कि भाई सबको पता ही है आप मैं क्या करूं क्या ज़रूरत है बताने की ऐसा नहीं है अभी तो आप देखेंगे कि ये सफ़र शुरू होने लगा है लेकिन इसके बारे में मैं पहली बात आपको बताऊं कि हमारा ये दौरे कुरान बहुत सिंपल बहुत इजी गोइंग होगा इन कोई इसमें फिकी बात नहीं होगी कोई मसलक की बात नहीं होगी कोई फिरका वारीत की बात नहीं होगी क्योंकि ये सब तो मौजू ही नहीं है कुरान का कुरान का मौजू अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक़ है ये जो मसायल है, है।, है। तो आप भी भेज सकती हैं किसी मसल किसी जमात इवन नॉन मुस्लिम जो उर्दू समझते हैं आप उनको भी सुनवा सकते हैं पूरे शूर के साथ कहूंगी कि आपको इनशाला इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखेगी जिसपे आप शर्मिंदा हो दूसरी बात है किस साल में दौरे कुरान रुकू वाइज करवाऊंगी पिछले माशाला बैकवर्डली जाऊं तो पांच-छह तो मुझे भी याद है पांच-छह सालों के दौरे खराद में मैंने आयतों के वो पेयर चूज किए थे जो एक की हैं और अलहमद ला कितने पेयर बन चुके हैं पिछले साल दो के तबार से चूज किए उससे पिछले साल दिल की इस्लाती थी और उससे पीछे जो भी सारे थे इस साल हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए रुकू का तर्जमा इकट्ठा पड़ोंगी एक तो इससे हम टाइम भी सेव करेंगे दूसरा फिर रुकू वाइस आपको पॉइंट्स दूंगी ये एक नई चीज़ होगी जिन लोगों ने पिछले कई साल हमारे साथ किए उनके लिए दूसरी बात है कि मेरा अपना अंदाज रिमाइंडर्स का होगा थिंग्स टू डू अमल क्या करना है नसीहत का होगा इसमें बड़ा पार्ट इस्तीफा होगा तस्कर बिलकुर रतन फॉलमोम नसीहत कीजिए नसीहत तो ईमान वालों को फायदा देती है और इसी तरह से इसमें हम हर रोज एक पारा अल्लाह की रहमत से किया करेंगे अल्लाह ताला हमारा आज से ही ये गोल पूरा करवाए और मकसद पारा पूरा भी नहीं करना ना दौरे कुरान तीस पारों को पूरा करने का मकसद है ये सब तो हो जाता है एक घंटा डेढ़ घंटा आधा घंटा दो घंटे तीन नो प्रॉब्लम लेकिन क्या आपका कमल पूरा हुआ और इब्ने उमर रजी कहा करते थे कि हम लोगों ने इल्म और अमल का सफर साथ, साथ किया आप सबको कहूंगी कि अपने साथ एक छोटी सी बुक, बुक रखिए आपने इसको याद रखना है जल्दी से उस पर एक छोटा सा हिंट दे दीजिए बाद में जाके उसको बुरा कर ले आपके सामने कोई भी मुसब खुला हो नो प्रॉब्लम आप उसको खोलें स्क्रीन पे आपको यहां भी मिल रही है ऑनलाइन पे जो सुन देखेंगे उनको भी मिलेंगी कोई तरीका ऐसा अख्तियार कीजिएगा सोना नहीं है। नहीं है अपने हाथ में कुरान कागज पेंसिल हो तो ज्यादा फोकस होता है आप अपने मुस्ब पे देखिए वो सबसे अच्छा रहेगा आपको इंशाल्लाह अलर्ट होके बैठे इतने पुरस्कून माहौल में सो भी ना जाए टेक लगाए ना जो बूढ़े हैं जिनको कोई तकलीफ है वो बैग पे सोफे माशाला आप उन लेट भी सकते हैं सामने आप में से कोशिश करिए कि जो लोग बैठे हैं वो वो हों कि जिनको देख कर मेरे दिल से बातें निकले और इसी तरह से इस साल जो हमारा मेन थीम इसमें आएगा वो अजमत सहाबा है हम इस साल के दौरे कुरान को देखेंगे कि आखिर ये सहाबा क्या चीज़ थे तो आजमत सहाबा हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि आखिर अल्लाह ने सहबा कराम को इतनी अजमत क्यों दी क्या थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फाया फारिक शुदा थे कोई दुनिया के बहुत बड़े किसी ऊंचे मुकाम पे थे अल्लाह इनको खैर उम्मत उम्मत कहता है खैर सूरत इमरान में आता है और अम्बिया और के बाद सबसे आला दर्जा इनका हमने चार दिन का जादुल खैर किया है नए लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है आपको इसी यूट्यूब चैनल नूरुल कुरान टी वी एन यू आर यू एल क्यू यू आर ए एन और टीवी और माई नरू कुरान फेसबुक का चैनल है हमारा इसके अलावा वेबसाइट और एप्स पे भी आपको बाद में मिल जाएगा आप इसमें से नाम के फोर देखेंगे। अपनी सहूलत के मुताबिक अभी से थोड़ा थोड़ा करके घर में जाकर सुनना शुरू कर दें हमने चार दिन सहाबा पे हासिल बात की है लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे कि सहाबा को असहाबे रसूल को ये गैर मामूली अजमत क्यों मिली ये कोई पुरस्ार करामत थी कोई अल्लाह ने उनका कोई डीएनए एन ए बनाया था वो कोई रोबोटिक इंसान थे नहीं साहबा ने उस चीज को परख लिया साहबा उस प्रोग्राम को पाक गए कि जिसको पाने वाला आज भी मिस्टीरियस हो जाता है जैसे कल उनके पास था वैसे ही आज हमारे पास है ठीक है लामा इकबाल ने कह दिया कि ये गाजी ये तेरे पुरस्ार बंदे ये तो मानते हैं हम पढ़ेंगे इतने वाक्य सुनेंगे आप तारीख के केरान होंगे एवरी डे हम एक आर्टिकल तारीख का भी शेयर करेंगे आपके साथ लेकिन ये याद रखिए कि ये बात पुरसरारियत आती कहाँ से साहबा को जो असमत मिली वो उन्होंने अपने कौल और अमल से तारीख में ऐसी मिसालें कायम की जो किसी इंसानी गिरोह ने कायम नहीं की इसीलिए भी पूरी इंसानियत में अंबिया और के बाद सबसे टॉप मोस्ट जो मुकाम है वो का है वो इनका सबसे पहला जो अनोखा कारनामा था वो क्या था आज के इस पारे के साथ लेके चलूंगी हम देखते हैं नेक्स्ट पे पारा मीम शुरू करेंगे थोड़ा सा पारे का टॉपिक हर पारे का डिफरेंट टॉपिक होगा और हर टॉपिक सहाबा की एक खूबी होगी आपको मैं अगर मिनट खामोश रहकर कर मौका दूंगे साहबा की कुछ खूबियां तो नोट कीजिए तो आप कहेंगे नमाज पढ़ते थे नमाज पढ़ते थे पांच सौ दाने की तस्वीर थी अल्लाह का विर जपते थे पुड़िया बना बना के लोगों को खाने को पक्या देते थे मसरत के साथ आज हमने कुछ ऐसा ही तस्वुर बांध लिया नहीं साहबा का सबसे पहला करना लिखिए आप यहाँ और इसी थीम पे अभी देखेंगे पूरे पारे में से आपको कितनी आयतें मिलेंगी अभी नहीं बता रही फिर टू मच हो जाता है जहां आयता है कि आपको बताऊंगी कि इनका और उनका फर्क देख लीजिए तो सहाबा की पहली खूबी जो मुझे समझ आ सकी वो क्या थी कि पैगंबर को आगाज तारीख में पहचाना आगाज तारीख में पैगंबर को पहचाना ये क्या बात है समझ नहीं आती बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं हम लोग तो याद रखिएगा कि जब कोई बहुत मशहूर हो जाता है फेमस हो जाता है उसका फेम होता है तो लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं उसको बुलाना चाहते हैं उसे हाथ मिलाना चाहते हैं ये आसान है आज भी आप देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्ला, अल्लाह उन पे अपनी करोड़ों राहमतें करें कितना प्यारा नाम लगता है इमाम शाफी राहुल इमाम इबन तैमिया रहम्ला मैं दीनी नाम ले रही हूँ ना आज तो हम उनके नामों पे लड़ने मरने को भी तैयार हैं, लेकिन आपको बताया कि इनमें से कोई एक इमाम भी ऐसा नहीं है कि जो सुख और चैन की जिंदगी बसर करके गया अक्सर के जनाजे जेलों से उठे मुखालफतें हुई और कोड़े पड़े क्यों लिखिए चंद बातें अपने दौर की दीनी शख्सियत को मानना और बात है और पिछले दौर की शख्सियत के गाना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है सहाबा की ये अनोखी सिफत थी कि उन्होंने अपने ही हम असर यानी सेम टाइम पीरियड में आए हुए रसूल को पहचानना इनका साथ दिया ये काम इतना मुश्किल है कि मालूम तारीख में गिरोही तौर पे या ओवरऑल ये सिर्फ एक ही दफा वाक्य पेश यानी पूरी जमात पूरा क्राउड पूरा गिरोह एक शख्स को न मान ले जिसके साथ कोई पंपन शो नहीं कोई हटो बचो नहीं है कभी नहीं ये हमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद और रसूल और उनके साथियों के साथ हुआ तारीख गवाया का इनकार किया गया मजाक उड़ाया गया आज भी आप देखें तो बाइबल में कोटेशन मौजूद है कि तुमने मेरे नबियों को नाचीज समझा तुमने उनको लट डाउन समझा तुमने उनको अंडर एस्टिमेट समझा लोग वही को भी मानते हैं रिसालत को भी मानते हैं लेकिन वक़ के नबी को मानना बहुत मुश्किल होता है मैं आपको मिसाल दू छोड़े सबको मैं और आप हमारी नानी कितनी अच्छी थी नाना ना, नानी ये खाती थी ये नानी का प्याला है ये नानी ने मुझे फलां वक्त पे ये चूड़ी दी थी नानी 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 है ना और आज के दौर में जरूरत अभी दादी जिंदा हो उसकी रोक टोक अच्छी नहीं लगती वो बूढ़ी बेचारी अकेली बैठी रहती है उनको टाइम नहीं देते माजी के बुजुर्गों के कसीदे करना बहुत बड़ी बात है आज के दौर के नहीं अपने माँ बाप क्यों बुरे लगते हैं क्योंकि रोकते हैं टोकते आप अपने मौजूदा उस्ताद से फैस ना हासिल करें और माजी के उस्तादों के गुन ये आपकी बदबखती होती है बात समझ आ गई है फितरत की बात एक वो जो बात है ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद तो लोगों का अमूमा महसिन के साथ कुछ ऐसा ही रवैया होता महसिनों के साथ वो अमूमन यही करते हैं कि जब तक वो उनके बीच में मौजूद होते हैं वो उनसे फायदा नहीं उठाते उनको तकलीफें देते हैं हल्का जानते हैं और जब वो चले जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनको हीरो बना के दिलकर फिर झगड़े करते हैं वो कहते हैं हम उनके नाम पे हम उनके नाम पे सहाबा कराम ने जिस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद और रसूलुल्लाह बनते देखा उनको नहीं पता था कि ये शख्स कल दी हंड्रेड्स में नंबर वन पे आ जाएगा माइकल हार्ट के मुताबिक उनको नहीं पता था द मैन हु इस शख्स के नाम पे किताब लिखी जाएगी उनको नहीं पता था कि कल यूरोप आपको माने ना माने आपकी बातों पर अमल करे ना करे बट इस पे मजबूर हो जाएगा कि मोहम्मद मैन ऑफ रेवोल्यूशन ही वाज पैगम्बर है इनकलाफ लेकिन सहाबा ने उस वक्त माना लोग नबियों के नाम पे इदारे कायम कर लेते हैं बड़े बड़े जश्न मनाते हैं पिछले नबियों के जन्मदिन मनाए जा सकते हैं उनके बर्थडे मनाए जाते हैं उनके विलादत के दिन मनाए जाते हैं लेकिन सामने मौजूद नबी को लोगों ने नहीं माना यहूदा यहूद ने उनसे निष्पत्त तो जोड़ी माना तो नहीं और यहूद ने हजरत ईसा का इनकार किया हालांकि वो मूसा को मानते थे नसारा ने हज़रत मोहम्मद का इनकार किया हालांकि हजरत मसीह की परस्तिश की हद तक इज्जत करते थे इसी तरह देखिए कि कुरैश ने नबसेम पे पत्थर मारे और आपको घर से निकाला हालांकि हजरत इब्राहिम के बारिश होने पर फख्र करते थे तो इसकी वजह क्या है एक जुमला हल्का सा बोलती हूँ ताकि लिख लें कि कदीम नबी की नबूबत तारीखी रिवायात के नतीजे में साबित शुदा नबूबत बन जाती है वो किसी कौम का कौमी असासा होते हैं हेरिटेज लोक वरसा उर्दू में आप बोलते हैं ना किसी कौम में आने वाला नबी इसके बाद की नस्लों के लिए एक हीरो बन जाता है और मजरत के साथ आज हम मुसलमान भी कमो बेश नबी सुसलम को ऐसा हीरो मानते हैं हीरो वर्शिप है रबी अवल आएगा मिलाद की महफिलें सजेंगी पत्तियां जड़े लगेंगी और रंग डाले जाएंगे और जश्न आमद रसूल होगा और नाते पड़ी जाएंगी लेकिन उसी नबी की सुन्नतों को हम झबा करते हैं उसी नबी के तौर तरीकों को हम पसंद नहीं करते तो लिहाजा ये बात के को कैसे पता चल गया कि ये शख्स कल बहुत बड़ी शख्सियत बनेगा ये थी उनकी खूबी वक्त का जो नबी होता है ना वो एक मतनाजे नबी होता है पता नहीं ठीक है नहीं पता नहीं गलत है नहीं यहूद ने क्या कहा था चलो देखते हैं ये कामयाब होता है कि नहीं देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है शक होता है इल्तबास होता है लेकिन जो सहाबे कराम थे उन्होंने वसल्लम के किसी कारनामे को नहीं देखा उन्होंने अल्लाह के नबी को उस वक्त माना जब बदर की फतः नहीं थी और उन्होंने उस वक़्त भी माना जब मक्का पता नहीं हो चुका था लेकिन उन्होंने अल्लाह के नब्सम का कदम ब कदम पर साथ दिया ये इतनी बड़ी खूबी थी और आज भी जो लोग उसी नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह के नबी के मिशन को लेकर चल रहे हैं आपके इस दिन को आम करने के लिए साथ दे रहे हैं चीजों का उनका इन दर्जा खाबे रसूल जैसा होगा उनकी कोशिशों और उनके हालात के मुताबिक और ये इतनी बड़ी बात क्यों है इसलिए कि वक्त के, वक के नबी का साथ देना उसके लिए अपनी अना को दफन करना पड़ता है पर दूसरी बात कि उसके मिशन की राह में अपना माल खर्च करना पड़ता क्योंकि ये कैसे मिशन के रास्ते में माल खर्च करना होता है जिसका भी ये भी नहीं पता कि ये हक है कि नहीं देखिए नई नई दुकान है पता नहीं चलेगी कि नहीं नया बिजनेस है पता नहीं डूबी ना जाए फ्लॉप ही ना हो जाए कौन पैसा लगाए हाँ लोग शेयर किस में लेंगे जो कई कई साल के जमे हुए तो साहबा ने डूबती कश्ती में पांव रखा अल्लाह के नबी पे तो जो जुल्म ने करने थे साहबा ने कोई तस्दीक भी नहीं की और सब कराम वो लोग थे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को ऐसे माना जैसे कोई तारीखी रसूलों को मानता है तो ये थी वो उनकी खूबी गजवा खंडक में हती के ऐसे हालात बन गए थे कि सर्दी भी थी गुर्बत भी थी सब कुछ हांडियां उलट रही थी और जरूरियात जिंदगी नहीं पूरी हो रही कि एक मुसलमान नुमा शख्स की ज़ुबान से ये बात निकल गई थी कि मोहम्मद हमसे वादे तो बड़े करते हैं सल्लम कि कैसरो और किसरा के खजाने हासिल करेंगे और आज हाल यह में नहीं जा पा रहा कहा नोम्म ना वादे करता था नाकुलसरा व कैसर और आज हर हाल यह है कि हम बाथरूम में नहीं जा सकते तो ये जो बात थी ना कि ये तो वकती बातें थी ये तो बस ऐसे सियासी नारे हैं आज वो सब हकीकत बन चुकी है आज इस्लाम की इस बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है सामक कराम ने ऐसी किसी चीज के बग़ैर आप पर एतबार किया और ये थी वो खूबी और ये आती कैसे इसको इनशाला हम पारे के साथ जहाँ देखेंगे आपका भी रहा होगा और हर पारे की एक शख्सियत बगैर किसी के कहे बगैर किसी जिसको कहते हैं कि विदाउट एनी सेकंड थॉट आज के पारे की पर्सनालिटी अबू बकर रजी अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया मैंने जिस पर भी हक का पैगाम पेश किया उसने कुछ पसों पेश तो किया इफ्स एंड एंड बर्ड्स सिवाय अबू बकर इधर मैंने उनको अल्लाह का पैगाम पेश किया और उधर उन्होंने दिल की गहराई से मान लिया तबू तो बकर सिद्दीक बिल्कुल इब्तदाई मुसलमानों में से हैं पांच गुलाम दो औरतें और एक अबू बकर के सिवा उस वक़्त तक कोई मुस्लिम नहीं था जब हजरत अबू बकर मुसलमान हुए ये सही बुखारी की रिवायत है थ्री डबल सिक्स जीरो। मैं फिगर्स के साथ फैक्ट्स क्यों देती कि शायद बाद में भी सुन के आप नोट कर लें लेकिन अबू बकर के फजाइल में जो बोल रही हूँ हदीस से बोलूंगी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैंने किसी को दोस्त बनाना होता तो मैं अबू बकर रजी अल्ला को बनाता ये सही बुखारी की रिवायत है थ्री सिक्स फाइव सिक्स और मुस्लिम सिक्स वन सेवन सिक्स और सिक्स वन सेवन थ्री लेकिन आपने फरमाया कि मेरा खलील तो अल्लाह है फिर इसी तरह से आपने एक मौके पे क्या कहा मैं और मेरा माल सब आप ही का तो है अब हुरारा कहते हैं कि अल्लाह के, के नबी ने फरमाया मुझे किसी के माल से इतना नफा नहीं पहुंचा जितना अबू बकर के माल से और मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि इस्लाम की जड़ों में अबू बकर और खदीजा रजीला माल लगा हुआ है खुशकिस्मत है आप अगर आपको उस वक्त माल लगाना पड़ रहा है जिस वक्त कोई नहीं लगाने वाला बाद में तो लोग माल लेके फिरते हैं लेकिन जरूरत नहीं रहती शुरू में तो कोई आपको जानता भी नहीं है तो अबू बकर का माल तो जब अबू बकर ने इतनी बड़ी बात सुनी तो रोने लगे कहने लगे अल्लाह के नबी में और मेरा माल सब आपकी का तो है ए अल्लाह के रसूल बका मेरा माल आपके सिवा किसी और का भी है अब आप देखिए मजा की अबू बकर की खूबी सानी दो का दूसरा दो में से दूसरा ये वाक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब सूरत बोलिए सूरत अनफाल में हिजरत की राहें हैं और वहां इंशाल्लाह आपको मिलेगा कि ग़ार में जब नबी वसम की जान की कीमत लगी हुई थी उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तुआ के साथ थे ये वाक्य हम उनके हत पढ़ेंगे मैं सिर्फ आपको चंद रेफरेंस दे रही हूँ कि अबू बकर हिजरत के सफर पर निकलने की इजाज़त मिलकर रो पड़े क्या आपकी बेटी कहती हैं कि अगर मैंने उस दिन अपने बाप को रोते ना देखा होता तो मैं मानती भी ना कि कभी कोई खुशी से भी रो सकता है कैसे साय की तरह अल्लाह के नबी के साथ थे और यह रिवायत है बुखारी की थ्री सिक्स फाइव टू में हती के गार में एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि अगर दुश्मन अपने कदमों की तरफ देखते तो उनको अल्लाह के नबी और अबू बकर दिख जाते है ये बुखारी की रिवायत थ्री थ्री और मुस्लिम सिक्स वन सिक्स नाइन और अल्लाह के नबी का ये प्यारा सहाबी इसके लिए एक और ख़ूबी है और वो क्या है कि हजरत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी से पूछा गया आपको कौन शख्स ज्यादा प्यारा है आपने फरमाया लोगो नर्स की मर्दों में से फरमाइन के बाप यानी अबू बकर माजा की रिवायत है ओ वन, तो सबसे ज्यादा ऑफ प्रॉफिट माशाल्लाह क्या उनकी खूबियां थी और इसी तरह के वाक़त हमें और भी जगह मिलते हैं बुहारी और मुस्लिम में कि अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया और एक और अल्लाह के नबी का खिराजी तहसीन अबू बकर के लिए मैं हर एक एहसान का बदला चुका चुका सिवाय अबू बकर के एहसान के ये रिवायत अगर आपने पढ़नी हो तो तिरमजी में थ्री डबल सिक्स वन पे है अबू फ्रही की रिवायत है आपने फरमाया कि मैं अबू बकर के का बदला नहीं दे सका ये एक आपकी खूबसूरती थी फिर अबू बकर के लिए अल्लाह के नबी का एक जुमला अबू बकर रजी अल्लान सरदार हैं हज़रत अली से यह रिवायत अल्लाह के नबी की हमें मिली कि अबू बकर और उमर दोनों जन्नत के उधेर उम्र लोगों के सरदार हैं ख्वा अगले हों या पिछले अम्बिया और मरसलिन के सिवा और ये जब तक जिंदा रहेंगे अली इनको इसकी खबर ना देना ये इबने वाजह नाइन्टी फाइव तिर थ्री ट्रिपल सिक्स और थ्री डबल सिक्स फाइव में रिवायत आप खुद भी पढ़ सकते हैं एक और रिवायत है हजरत खुजीफा से अल्लाह के नबी ने फरमाया नीचे दर्जे वाले बुलंद दर्जे वाले लोगों को जन्नत में ऐसे देखेंगे जैसे चमकता हुआ सितारा आसमान के किनारे में दिखाई देता है और अबू बकर और उमर इन बुलंद दर्जे वालों में हैं और क्या खूब रहे दोनों यानी वो अबू बकर और उमर जन्नत में चमक रहे होंगे जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं ये भी इब्ने माजा की रिवायत है नाइनटी सिक्स और तिर्मिजी में थ्री सिक्स फाइव एट और अल्लाह के नबी ने एक मौके पर अबू बकर और उमर दोनों को देखकर फरमाया ये दोनों कान और आंखें हैं तिरमजी की रिवायत थ्री सिक्स सेवन वन और एक दाएं और एक बाएं थे आपके अक्सर औकात में जब भी आप जाते थे तो एक दाएं और एक बाएं आपने फरमाया कि हम इसी तरह क्यामत के दिन भी उठाए जाएंगे इबन माजा की रिवायत नाइनटी नाइन नाग्ट है और इसी तरह से तो तौर भी बहुत सारी हैं लेकिन मैं बस आपको इतनी सी बात कह सब अचानक नहीं हुआ इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट ये अल्लाह को गलती नहीं लगी लोग कुछ कर पाते हैं तभी होता है इनशाला अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ चीजें जो बीच में आती जाएंगी बताती जाऊंगी अब हम चलते हैं अपने पारे के ऊपर और इन ताला हम अल्लाह से दुआ करके इस पारे को लेंगे हर पारे के साथ आपको एक दुआ भी मिला करेगी जो कि आपके मेरे फायदे की भी है और हम उससे फायदा भी उठा सकते हैं और दूसरी ये बात है कि आज सहाबा का मौजू ये था ना कि उन्होंने अल्लाह के नबी को पहचान लिया आज बहुत सारे लोग हक हाँ को नहीं पहचान सकते बहुत सारी चीजों से मरूब हो जाते हैं लेकिन हक हाँ चूंकि इतना चमकता दमकता नहीं होता तो नहीं जानते तो आज से एक दुआ आप और मैं भी सीखेंगे और वो क्या है और ये दुआ क्या है कि अल्लाह हमारी नश्या कमा ही अल्लाह हमें चीजों की असल दिखा देखिए आज धोखों का दौर है और बहुत प्लॉटिंग हो रही है और जुखल अल कौल का जोर है दीन और दुनिया दोनों में लोग बड़ी लुब्रिकेटिंग बातें करते हैं पता ही नहीं चलता हक के बातिल क्या है फलां बात बड़ी अच्छी करता है फलां प्यार से बड़े बोलता है फलां मीठा बोलता है फलां के दस में मजा बड़ा आता है फलां जो है वो बहुत गा गा के दुआ कराते हैं कभी इन बातों के शहर में ना आइए हक सुनिए लुकनत वाली जुबान से भी जो हक अदा करता है ना हक को बोलता है उसकी जुबान में तसीर होती है तो ये दुआ आपकी मेरी है और ख़ास तौर पे मैं कहूंगी कि आज सोशल मीडिया पे हर वक्त ही तो इधर से उधर की उधर की इधर की चीज़ें जा रही हैं सेहत का ख्याल रखे बगैर अहदीस हैं भी नहीं सिर्फ कॉल है या पता नहीं क्या है और न जाने आउट ऑफ कॉन्टेक्स चीजें पेश की जाती हैं तो आज मैं और आप अपने लिए जो दुआ चूज करेंगे कि अल्लाह जैसे तूने सहाबा कराम के दिल खोल दिए थे ना सल्लम को पहचान गए थे हमें भी सही बंदे तक ले जा हम भी उसकी बात सुने जिससे हमारी आखिरत बन जाए और हमें हकीकत के साथ चीजें दिखा ना के अंदर खाता कुछ और। वो कहते ना न से होशियार रहिए तो दुआ दौ, दौ, का अगला हिस्सा कहन अल बाला बाम वर जुख ना इजना बहु वरिन का हकम वर न तिबा अहू अल्लाह हमें चीजों की असल दिखाते रहिए जैसे वो है और बातिल को बा की सूरत में दिखा और इससे बचने की तौफीक दे और हमें हक को हक की सूरत में दिखा और इसकी पैरवी करने की तौफीक दे आप दीन और दुनिया दोनों के नाते से ये मांगिए लोग आपको धोखा ना दें और सबसे बदतरीन धोखा वो होगा जो कोई आपको मुझे दीन के नाम पे दे दे अल्लाह ताला हमें आंखें खोल कर दीन को लेने और देने वाला बनाए चॉइस बहुत है हमारे पास कभी अच्छी बुरी का भी नहीं फ़र्क होता ज्यादा अच्छी और कम अच्छी भी होता है हम बाद दफा इतने केयरलेसली जस्ट लाइक टिश्यू पेपर की तरह थैंक्स आई डोंट नीड इट नो आई हैव दिस है तो अल्लाह अल्लाह से के में वो हक सुना जो दे हमारा दिल बदल और अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे आइए पहले पारे पे चलते हैं टैक्स के साथ पढ़ेंगे इसको अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तला हमें इस पूरे पारे का फहम बेहतरीन तरीके से अता फरमा पुराने पाक शुरू होता है सूरत अल अलफ से तरतीब में पहली आयत है पहली सूरत भी है और इस सूरत को इंडेक्स ऑफ कुरान भी कहते हैं फतेह से खोलने का लफ्ज़ भी आता है इसकी तफसीर तो मुमकिन ही नहीं कई घंटे हंड्रेड आवर्स की सिर्फ शुरू फतेह की तफसीर है अलहमद लाला आप इंडेक्स में सुनना चाहे तो उसको सुन लें आज तो हम सिर्फ इसका खुलासा लेंगे بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فطرة सुरत वातह क्या है इंसान की फितरत से जो आवाज आती है वो है ये तर्जमा सुनते हैं इसका सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है बड़ा मेहरबान नहाय रहम करने वाला है बदले के दिन का यानी का मालिक है हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ से मदद चाहते हैं हमें सीधी और सच्ची राह दिखा इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया इनका नहीं जिन पर गजब किया गया और नागुम राहों का आमीन सूरत फातह क्या है अल्लाह की तारीफों के गुण हैं आप सूरत फातिहा जब भी पढ़ते हैं आप इमोशनल हो जाते हैं आप कहते हैं अल्लाह ताला मैं इस सूरत का हक कैसे अदा करूंगी ये कुरान का इंडेक्स है फतह का लफ्ज भी खोलने से फातिह भी खोलने से यानी जो ही आप कुरान खोलते हैं ना तो आपके सामने सूरत फातिहा आती है अगर मैं आज आपको इसका एक नया नाम दे दूं तो मुझे उम्मीद है कि पहले से सुनने वालों को बहुत खुशी होगी और वो जुमला क्या है लिखेगा अल्लाह का मतलूब बंदा कैसा होता है सूरत फातिहा बंद मोमिन की छोटी तस्वीर है और बकिया कुरान इस बंद मोमिन की बड़ी तस्वीर है यानी मोमिन कैसा होता है जाओ सूरत फातिहा में जाकर उसकी तस्वीर देख लो अल्लाह तला के साथ बंदे के दिल में जो मोहब्बत के जज्बे आते हैं ना उसका तस्करा है और अल्लाह का कलाम हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं क्योंकि किसी इंसान के लिए किसी काम को शुरू करते वक्त अल्लाह के नाम से बड़ी कोई चीज नहीं यही पैगाम पहली वही का था एकरा बिस्मी रबी का क्योंकि वो हस्ती जो तमाम रहमतों का खजाना है जिसकी रहमतें हर वक़्त उबलती रहती हैं इसके नाम से आप अपने किसी काम का आगाज करें तो गोया कि आप अपनी जुबान से कह रहे होते हैं कि अल्लाह मैं इस काम को तेरे नाम से करने आई हूँ अब तो अपनी रहमतों के साथ आ मेरी मदद कर मेरा ये काम आसान कर दे खैर खूबी से इसको ले आ और असल में ये बंदे की आजजी उसकी बंदगी का एतराफ है और इंसान अल्लाह को कहते या का ना बुदो या का अल्लाह तो सबसे बड़ा है मैं सबसे छोटी हूँ आप देखिए कि मोमिन के कल भी एहसास है, है पहले दौर में लोग खत लिखते थे फिर बाद में मैसेज करने लगे फोन पे बातें करने लगे आज तो अपने जज्बात के लिए मोजीज भी बहुत है फूल भी बहुत दे सकते हैं आप उनको स्टिकर्स भी बहुत सारे भेजते हैं आपको जिससे मोहब्बत होती है आपका दिल करता है आप उसको कुछ कहें बंदा मोमिन के दिल में जो मोहब्बत के चश्मे फूटते रहते हैं ना सारा दिन बैठे बैठे उसको एकदम दिल में आता है मैं अल्लाह को आई लव यू अलाई लाइक यू मिस यू क्योंकि जब आप सच्चाई को पा लेते हैं ना तो फित्री तौर पे आपके अंदर से जज्बे उभरते हैं सूरत फात्या इन्हीं जज्बात का इजहार है अल्लाह बंदे को जो देता है बंदा अपने वजूद पे नजर डाल के कहता है अलहमदुल्ला ही रबीन क्योंकि हमारा ये जो वजूद है ना अल्लाह की असमत का गवाह है आप अपनी आंखें निकलवा दें। अगर कोई कहे कि अपनी दोनों आंखें निकलवा दो या अपने दोनों पाँव कटवा दो और इसके बाद तुम जाओ दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के बादशाह बन जाओ कोई तैयार होगा चले अपने मुल्क की तो छोड़ें। किसी सुपर पावर मुल्क की सदारत वजारत कबूल करेंगे अपनी दो आंखें लेकर देकर नहीं करेंगे ना तो लिखिए एक जुमला ये दो छोटी चीजें दो आंखें छोटी सी चीज है, इतनी सी ये इब्तदाई दो छोटी सी नेमते भी उस पूरी दुनिया की बादशाही से बड़ी है इसीलिए बंदा कहता है मान लिखी यम दीन फिर दुनिया की कोई चीज आपकी आंखों में आती नहीं आप अल्लाह को मालिक होता हुआ देखते हैं उसका रहीम होना रहमान होना देखते हैं और फिर आपको समझ आ जाता है कि सारी दुनिया भी किसी को मिल जाए तो वो बड़ा नहीं है क्योंकि मेरा रब बड़ा है और जब आप शुक्र करते करते अपनी जिंदगी को खुशगवार करते हैं शुक्र जिंदगी की शक्कर बन जाता है आपकी तल्ख जिंदगी मीठी होती है आप कि मसाइल का ढेर भी लगा ना तो दिल से कही अल्हदुल्ला अल्लाह तेरा शुक्र आप देखेंगे कि कड़वी चाय में चीनी डलते ही, चीनी मिठी हो, चीनी मिठी होती है ना आपकी जिंदगी मिठी होगी तो ना शुक्री के रवैये खत्म करने की जरूरत है और जब आप अल्लाह की तारीफें करते हैं शुक्र गुजारियों के साथ तो साथ ही मालिकी योम दीन ये क्या बात है कि अल्लाह मैं तेरे आगे बेचती हूँ तू ही मेरा हिसाब लेना तू ही मेरा लेना लोग कहते हैं मालिक योम दीन में क्या खूबी है भाई क्यों नहीं है किसी इमाम से किसी ने कहा क्यामत के दिन तुम्हें चॉइस मिल जाए कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे माँ बाप लें या अल्लाह ले तो किसको चूज करोगे कहा मैं अल्लाह को चूज करूँगा और एक बद्दू के बारे में आता है कि किसी ने उसको डराया क्यामत आने वाली है नहीं तुम्हारी मौत आएगी कहा अच्छा मौत आएगी कहाँ से आएंगे फरिश्ते कहा भेजेगा फरिश्तों को भेजेगा फिर खैर है का तुम्हें पता कबर में भी तुम्हारा हिसाब होगा कहा अच्छा क्या होगा कौन पर रिश्ते भेजेगा का अल्लाह भेजेगा फिर खैर है कहा तुम्हें पता क्या बड़ा सख्त हिसाब होना है कहा हिसाब कौन लेगा कहा लेगा, लेगा मुझे कोई फिक्र नहीं जिसने दुनिया में मुझे इतना दिया है तो मुझे आखिरत में नहीं देगा ये अलहमदिल्ला रबी आलमी कोई जरूरी नहीं है कि आपके अस करोड़ों भी हों शुक्र गुजार दिल दुबान शुक्रगुजार बर्तन दिल वो बर्तन है कि जिसके अंदर फिर इंसान की बंदगी और आज भी है और बंदा अपने सारे मामला अल्लाह को कहते अल्लाह तू मुझे अपने राममत के सहाय में ले ले और फिर दुआएं तो बहुत सी थी जब अपना एहसास हुआ कि मैं छोटी हूँ अल्लाह बड़ा है तो मांगने की दुआएं तो बहुत लेकिन एह दीना से रातर मस्त सीधा रास्ता जिंदगी गुजारने का तरीका वो रास्ता जिसके ऊपर चल के सीधी जन्नत में जाऊं सभी जन्ना मांग लीजिए रब से मुझे जन्नत का रास्ता दे देना और तेरे प्यारे बंदे तीन किस्म के लोग पटके हुए नहीं तो जब आप इस प्यार और मोहब्बत के साथ सूर पढ़ते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में फिर सूरत बकरा खुलवा देते हैं खुलासा कर दू अगर तो हमने सूरत फातह में क्या देखा कुछ फ्लो चार्ट देख लीजिएगा चूंकि हमने इस तफा रदी अल्लाह में शामिल होना है तो हम अल्लाह तला से क्या मांगते हैं सूरत के अंदर है अल्लाह अपनी नाराजगी से हमें बचाना हम तेरी तारीफें ही करते हुए जाए अल्लाह ताला को मालिक योम दीन समझना है और दूसरों से नहीं अल्लाह से डरना है दूसरों से उम्मीदें नहीं लगानी इसकी पकड़ से बेखौफ नहीं होना और सबसे बड़ी बात कि उसके सिवा दूसरों से मदद नहीं मांगनी और अगर आप इस सूरत की रोशनी में अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहें तो आप अपने दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं अल्लाह हम के लायक तू है रहम करने वाला तू है सारी कायनात का रब तू है पतले के दिन का मालिक तू है वसी रहमत वाला तू है और हिदायत देने वाला तू है लिहाजा तड़प लगी हुई है कि अल्लाह हिदायत दे दे मुझे सीधा रास्ता दे दे और फिर आप जब इसके अंदर अल्लाह की रजा पाने वाले काम ढूंढते हैं तो सबसे पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको मुझे अमल की बात क्या मिली कि अपने कामों का आगाज अल्लाह के नाम से किया करें शुक्र दिल की गहराइयों से निकालिए रब्बे हकीकी से उम्मीदें लगाएं लोगों के कुछ भी नहीं है मोहरे या बेचारे उनको अल्लाह ने दिया आपको भी दे देगा कभी किसी पे नजर ना लगाए और फिर इसके बाद गजब इलाही से बचने की पनाह मांगे भटके हुए लोग उनसे अल्लाह हमें बचा दे सिराते मुस्तकीम पे अल्लाह जमा दे पहले चल रहे हैं तो अल्लाह जमाते दे और अगर अभी ढीले ढाले है तो अल्लाह हमें ज्यादा ले जा और हिदायत की तलब दिल में डाल दे जो ही हिदायत की तलब जा की आपने कई दिनों से मुस्तकीम अल्लाह जुबान हाल था कहते रियली You you तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अलबरा पुरान पा की तवील तरीन सूरत शुरू होती है पहले पारे में इसकी 141 हंड्रेड हैं यानी अब हम पारे सूरत के पारे के एंड तक सूरत बकरा ही को पढ़ेंगे और इस सूरत के अंदर क्या कुछ आएगा आइए जरा देखेंगे गाय का एक नाम है इसमें सिंबॉलिकली जहां ये आएगा तो हम उस पर बात करेंगे बिस्मान रहीम अलीफलाफी खुदी अली फलामीम रुफ मुक्त है पहला रकू इसका टॉपिक लिखिए कुरान किताब हिदायत है मगर फायदा कौन उठाएगा इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं पर इस कारों को राह दिखाने वाली है जो लोग पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं ये नोट कीजिएगा जुमला अपने पास से नहीं तुम देते हमारे दिए दिएमर हम युन फेकुन एहसास दिला दिया गया कि अगर तुम्हें रब ने दिया तो तुम भी दूसरों के साथ शेयर करो और जो लोग ईमान लाते हैं और इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया और वो आखरत पर भी यकीन रखते हैं खुदम यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं हिदायत के अतबार से पहला गिरोह और ये कौन सा है हमने दुआ मांगी अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा सूरत बकरा शुरू होते ही अल्लाह ने आपको मुझे पहली पांच आयतों में मोमिन मुतकीन का रास्ता दिखा दिया और फिर एंड आयत में काफिरों का आपका डराना या ना डराना बराबर है ये लोग ईमान न लाएंगे अल्लाह तला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है क्या पता चला पहला रुको पूरा होता है आप देखिए सात आयतों में आपने दो किस्म के लोगों को देखा पहली पांच आयत में मुतकीन बच जाएंगे आग से नाराजगी से जानमी होने से और ये कौन लोग थे जो कुरान की रहनुमाई से फायदा उठाते हैं पांच आयतों में हमने इनके बारे में पढ़ा फिर आयत नंबर सिक्स एंड सेवन में हमने नाकाम लोगों की खसूसियात देखी और फिर अल्लाह का फैसला देखा कि ला यो मिनो नहीं नहीं लाएंगे और इंजाम क्या है वल मजाबन अजीम इनका इंजाम बहुत बुरा होगा अगर आप इस एक रुकू को खोलकर देखें तो आपको इसमें अपने लिए अल्लाह की रजा पाने वाले काम कौन कौन से मिले अल्लाह से डरना हिदायत पाना गैब पर ईमान लाना ये सब उन्हीं आयतों में से निकल रहा है इसलिए कोई नई चीज आपको नहीं दिख रहेगी कुछ छूट गया तो बाद में आयत में से ढूंढ लीजिएगा नमाज कायम करना अल्लाह की राह में खर्च करना और यू में पर ईमान लाना जब आप इस सारी चीजों को पढ़ते हैं तो आपके दिल में खूक उठती है आप देखिए उस्ताद एक ही होता है फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को भी वही पढ़ाता है और फेल होने वाला भी बेचारा वही बैठा होता है नसीब आपका मेरा है अल्लाह ने मैं बिक त्रीन उस्ताद दे दिए मोहम्मद की तौर पे सहाबा की ये खूबी थी कि उन्होंने उस वक्त नबी को पहचाना और पहली पांच आयतों के मजदाक हो गए अब यहाँ लिख लीजिए आयत वन टू फाइव वाली खूबियां थी रदी अन में शामिल करने वाली सहाबा को आप और मैं भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो तो बस इन पांच आयतों में से अपने लिए अमल की बातें ढूंढ लीजिए और तरीका अबुला रही इस को से पाक होकर पढ़िए संजीदगी से पढ़िए मुत्तकी कौन होता है जिसको हिदायत की तड़प लग जाए जो अपने आप को बदलना चाहता है जिसको अपने गुना छुपते हैं याद रखिए ये साइमल्टेनियसली सफर तय होता है पहले आपकी जिंदगी में किताब खुलती है। आपको भूख लगती है जैसे आजकल लोग एपेटाइजर रखते हैं ना खाने से पहले गोरे तो फ्रूट रखते हैं ताकि भूख लगे हम उसमें भी समोसे रखते हैं ताकि चिकन बच जाए बाद वाला है लेकिन आप थोड़ा सा कुरान सुनते हैं और मैं आज से आपको कह दूं जो नए लोग हैं आप इस महफिल में कोई ऐसा बैठा चाहिए फर्स्ट टाइम कुरान सुन रहा बस फिर आप है मेरे लिए आप सबसे आगे बैठा करें कल उनको औरों को लाइए जिन्होंने कभी नहीं सुना कहीं नहीं सुना मुझे नए लोग चाहिए फिर देखिएगा जब वो रोएंगे ये जो तड़प आपके दिल में जागनी है ना हाय कुरान इतना प्यारा है अभी तो हम भाग ही रहे भाग ही रहे है। सिर्फ सूरत फातह की तफसीर हमारी कोई सात आठ घंटे में होती है आज तो हमने दस मिनट में कर ली तो ये जो थोड़ी सी तलब जागती है ना तो फिर आपका दिल करता है मैं और सुनू जैसे थोड़ा खा के जोड़े फिर दिल करता है और खाए और जब आपके अंदर सच्ची तलब आती है ना तो बस आप पालेंगे इस सफर का पहला और आखिरी मरहल है आप कुरान पढ़कर अपनी फितरत के बंद सफात को खोलते हैं सच्चा इरादा कर लीजिए आज बैठ कर अल्लाह मैंने, मैंने आपकी पसंद का बनना है मैंने अपने आपको रिफॉर्म करना है रिहेबिट करना है आप देखिए गैब से आपकी मदद होगी अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे इस्बाब बनाने लगेगा आपको अपनी फितरत की इस तलब का जवाब मिलने लग जाएगा आज तक उसको हिदायत नहीं मिली पता किसको नहीं मिली जिसने मांगी नहीं है आप कुछ मांगे और अल्लाह ना दे ना मुमकिन है दुनिया में भी एक बंदा अपनी इज्जत रखने के लिए मांगने वाले की पुकार को पूरा कर ही देता तो अल्लाह से मांगे और ना मिले लिखे, आज तक जो नहीं मिला इस बात की दलील है कि हमने मांगा ही नहीं है ऊपरी ऊपरी कहते हैं दिन असरातुल बस अल्लाह मिल ना जाए हिदायत अभी ना मिले अभी तो मैं सिर्फ ट्वेंटीज की हूँ अल्लाह गिव मी गाइडेंस बट नॉट सून प्लीज अल्लाह फोर्टीज़ के बाद देना बच्चों की भी शादियां कर लूँ भाई बहनों की हो जाए जो करना है पहनना है पूनना है, उसके बाद मिल जाए हमारा तो दिल ही नहीं चाह रहा होता हिदायत पे क्योंकि जब हिदायत की सच्ची तलब आती है फिर आप रब को पा जाते हैं फिर यो में नूना गईब होता है वही चीज जो इब्तदाई मरहले में आपके सामने होती है वो बाद में बेकरारी में ढलती है आप खोए खोए रहने लगते हैं फिर आपकी जबीन में हजारों सजदे मचलने लगते हैं तो आप नमाजी बन जाते हैं यानी वही जज्बा जो शुरू में अपने आप को अल्लाह के करीब लाने का जरिया बनता है आपका वही बाद में फिर अल्लाह के आगे झुकने का और जो सच्चा नमाजी बनता है ना फिर वो अपना माल अपने माल पे शाम बन के नहीं बैठता फिर मर सकता नाम जिन पे कौन बिल्कुल वो दरख की तरह जड़ ही ऊपर फ्रूट तक पहुंचती है पहले अल्लाह की मार्फत फिर सजदे सजदों के बाद दूसरों से शेयरिंग और ये जब आप करने लगते तो दिल खुल जाता है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आखरत को खुली आंखों से देखते हैं आपको जिंदगी की हकीकत समझ आ जाती है जो भी मिल जाएगा है तो दुनिया कहीं ना अल्लाह मुझे आखिरत में महरूम ना करना फिर आपके अंदर से तहसुब खत्म हो जाता है जिसको आखिरत नजर आ जाएगी वो एक हो जाएगा फिर ये नहीं कहता नहीं मेरी जमात मेरा गिरो असल में मैं ये होना मेरा उनसे ताल्लुक है ना फिर मैं उनके साथ ना 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 वो क्या करते हैं वो हर उस चीज को मान लेते हैं जिसमें हक होता है और याद रखिए जो हक को ढूंढेगा उसको जरूर पाएगा वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ढूंढने वालों को अल्लाह मिल ही जाता है तो आज तड़प के मांगी है कि अल्लाह आज मेरे अंदर तड़प पैदा हो गई है अब मैंने आपको जानना है मैंने आपको माना एक लड़का भी एक लड़की का पता ढूंढता है तो उसको मिल जाता है आप रब को पाना चाहते हैं तो कैसे ना मिले हाँ उनको नहीं मिलता जो बंद करते हैं नल्ला जीना अब नाले नंबर दो सुनिएगा ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की दी हुई हिदायत से बिल्कुल फायदा नहीं उठाते ये ऐसे लोग हैं कि जिनके करीब से हिदायत हो के गुजर जाती है लेकिन ये बदनसीब रहते हैं इनके अंदर कुछ नेगेटिव जज्बात होते हैं जिसकी वजह से ये फायदा नहीं उठा पाते तो देखेंगे आयत नंबर एट से लेकर ऑनवर्ड कुरान की हिदायत से फायदा ना उठाने वाले अल्लाह ने लफ्ज मुनाफिक यहाँ नहीं इस्तेमाल किया लेकिन लोग इनको मुनाफिक ही कहते हैं नास मई और बस लोग कहते हैं हम अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखते हैं लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं किसकी बात सच्ची है इनकी क्या अल्लाह की अल्लाह की बात सच्ची है वो अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देते हैं यहां मिसिंग क्या है सबसे बड़ा मसला ईमान बे रसूल है उसको रसूल नहीं अच्छे लगते क्योंकि रसूल पर ईमान लाने से लाइफ स्टाइल बदलता है तौर तरीके बदलते हैं हम कहते हैं नहीं एक बार हमसे और पढ़वा लो लेकिन हमारा तौर तरीका ना बदले हमारा गटअप ना चेंज हो हम एक तस्वी और कर लेंगे अब नमाज भी जुम्मे को पढ़ लेंगे हम इस पे भी चले जाएंगे मुनाफिक को अल्लाह के नबी के तौर तरीके पसंद नहीं होते इसीलिए अल्लाह अल्लाह ने कहा अल्ला और ईमान वालों को धोखा देते हैं लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं इनके दिलों में बीमारी थी और अल्लाह ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया और इनके और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक साफ है क्या झूठता इनका फॉल्स लाइवलीहुड छूटा मेरे जिंदगी ऊपर कुछ बाहर कुछ कर्जों में डूबे हुए बजहर करोड़पति बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकिन कर्जों पे बड़े बड़े शातो बड़े बड़े विलास लेकिन कर्जों पे डूबे हुए किस्तों पे लिए हुए काम यानी दिखाने के दांत कुछ और छुपाने के कुछ और अल्लाह तला कहते हैं और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले हैं खबरदार रहो यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शौर नहीं रखते लोग और जब इनसे लोग जाता है कि लोगों यानी सहाबा अब को नोट कीजिएगा साहबा से मुतलिक है यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ लाए जरा नोट किया आपने ये किसको बेवकूफ़ कह रहे हैं अबू बकर को उमर को उस्मान को अली को तलखा को जुबैर को और वो के नबी के प्यारे सहाबाद जिनके लिए आपने फरमाया कि फरमायादी अल्लाह मुनाफिक उनको बेवकूफ़ समझते थे क्यों इसलिए कहते थे ये क्या इतना सारा कुछ लेके आ जाते हैं जो कहो वो करने लग जाते हैं लोग इनको तो अपने नफे नुकसान की कोई ही नहीं है जान मांगे जान ले आते वक्त मांगे वक्त ले आते माल की जरूरत पड़ती है माल है, गाड़ी की जरूरत पड़ती है गाड़ी पेश करते इनको समझ ही नहीं है अल्लाह फरमाते खबरदार हो जाओ यकीन हैं यही बेवकूफ हैं, लेकिन जानते नहीं और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं अपने बड़े इनके मेंटर्स इनके बड़े तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं हम तो इनसे सिर्फ मजाक कर रहे थे नोट किया आपने आए ट्वेल्थ थर्टीन को अल्लाह ने उस वक्त के ईमान लाए साहबा की तरफ इशारा करके बता दिया कि मुनाफिक उनको बेवकूफ कहते थे आज भी सच्चे दीनदारों को लोग बेवकूफ कहते हैं ये क्या है इमोशनल टू मच बहुत नहीं हो गया हर वक़्त यही की रट लगाई हुई है तो नोट कीजिए साबा का ईमान एक क्राइटेरियन था सच्चे मोमिन सच्चे साहब कराम थे अपनी आखरत की फिक्र करने वाले दिल और जुबान से ईमान का इजहार करके सो नहीं जाते थे क्यों ना अल्लाह उनको कहे कि रदी अल्लाहन हूं लेकिन मुनाफिक उनको बेवकूफ़ समझता है

इस क्राइटेरियन पे कल आपका मेरा ईमान परखा जाएगा देखिए कभी आपने कभी पहले दौर में दुपट्टा रंगवाया होगा ना तो एक सैंपल दिया जाता है और उसको साथ साथ वो जो लायर वो जो होता है ना डायर वो उसको देख रहा होता है मैच हुआ कि नहीं हुआ मैच हुआ कि नहीं है किसी के जहन में ये तबर तो क्यामत के दिन आपके मेरे अमाल को सहाबा के अमाल के साथ यू मैच किया जाएगा मेरे हाथों को देखिए ये अबू बकर ने किया था अच्छा तुमने क्या किया अच्छा उमर ने ये किया था तुमने क्या किया आपका मेरा हिसाब सहाबा के ईमान के म्यार पे होगा सर शर्म से झुकता कि नहीं किस पानी में हम किन नमाजों पे हमें मान है हमने कर क्या लिया हमें जन्नत का टिकट मिल गया हमारे हाथ में पासपोर्ट आ गया जन्नत का अश्रम और बशरम हम शामिल हो गए बदरी साबा की अल्लाह ने हमें कह दिया कि आज के बाद कोई भी नेकी ना करो तो जन्नती हो फिर भी कोई हमारी अदाएं तो देखे अंदर बैठे अपना दिल चाहते आपने विजिटिंग कार्ड पे लिख ले जन्नती ये जाएंगी जन्नत में देखना इनको इनका माल बहुत बड़ा होगा अल्लाह करे ऐसा हो लेकिन एटीट्यूड नहीं अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में बढ़ा देता है ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको फायदा पहुंचाया और ना ये हिदायत वाले हुए ये हर वक्त कारोबारी जहन में थे लोग थे, तोलते लो थे।, थे प्लस माइनस गिनते रहते थे ये वो हो गया अल्लाह कहते जाओ इनको बताओ तुम्हारे इस नफे ने फायदा नहीं देना अब इसके बाद दो मिसालें हैं देखिएगा इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग चलाई बस आस पास की चीजें रोशनी में आई हैं, आई ही थी कि अल्लाह इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते बहरे अंधे हैं, वो हिदायत की तरफ नहीं लौटते कभी किसी जगह कुरान में ये अंदाज नहीं है सुमुन बुकमन उमय ला यु कोई खिताब नहीं है ये इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टाइल है जो अल्लाह ने इधर मुनाफ़ीन के लिए इस्तेमाल किया एक और मिसाल दी या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरिया और गरज और बिजली हो मौत के डर के मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है किनको काफिर कहा जा रहा है कलमा गो है ये लेकिन मुनाफिक दिल में कुछ बाहर कुछ करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं और अगर, अगर अल्लाह चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे यकी अल्लाह तला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है बड़ा सैट करने वाला ये है वो तो कहते ना टूटी कहाँ पे कमन दो कदम मंजिल रह गई और आप गिवअप कर गए समंदर पे गए पानी का एक कतरा नहीं पी सकते क्योंकि नमकीन है खारा वो कहते हैं ना दो कदम मल, वो कहते एक शेर भी है ना क्या समंदर तेरा क्या फायदा तू तो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता हम हिदायत की इतनी करीब कुरान हमारे इतने करीब हिदायत का सफर करीब और हम रुखे पीके हम मैं रू क्या बनेगा मुसलमानों का कुरान आज हमारे घरों में किताबें हमारे घरों में मस्जिदें हमारे करीब मौजूद हैं एक क्लिक के ऊपर उस्ताद हमारे कुरान सुनाने को तैयार हैं आज हम एक मैसेज करते हैं हमारे पास लाइनों की लाइनें लग जाती हैं हर गली में तारे कुरान हो रहा है हर मस्जिद के अंदर आपको तरावी के बाद कुछ मिल रहा है लेकिन उम्मत का हाल क्या है लिखिए ये है वो लोग जो कुरान की हिदायत से फायदा नहीं उठाते मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूँ मत गलती में रहिएगा कि मेरा ये पढ़ाना मुझे जन्नति कर देगा मेरा तो पकड़ आपसे ज्यादा होगी आप तो बड़े मजे से सुन रहे हैं मैं बोल रही हूँ लोग बड़े मजे से कहते हैं मैं पढ़ाती हूं अभी एक दफा पूरा कुरान नहीं किया होता लोग वो भी कुरान पढ़ाने लग जाते हैं कोई ऐसा डॉक्टर बन जाए तो उसको जाल सब्जी के मुकदमे में कोई पकड़ ले ना भी अंदर गया ना कुछ किसी का सुन के आप बोल देंगे आप खाना खाए वॉमिट कर दें थ्रो अप कर दें तो कितनी बू आती है हाँ वो खाना हजम तो कीजिए आप कुरान पढ़ाइए पहले अपने जिस्म पे लीजिए उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाए वरना याद रखिए कि मुनाफिक कौन दो चेहरों वाला बज टू फेसेस डबल स्टैंडर्ड इधर आए तो कुछ और उधर गए तो उधर न इधर वाले हमें उधर पहचान सकते ना उधर वाले हमें इधर पहचान सकते कहते हैं दीन भी रखो दुनिया भी रखो नहीं नहीं अब ये तो नहीं ना मौका देखो बच्चे की तो शादी है फिर खुशी भी तो है फिर से फिर वो बात भी है ना फिर ससुराल का मसला है अल्लाह के बंदो आपकी मुश्किलें कभी खत्म होंगी आपके बद तो तरस आ रहे आपसे ज्यादा तो मजबूरी कोई नहीं है तो अपनी इस मुनाफत के रूप को बेचानने की जरूरत है आप देखिए कि बाहर मजबूरियों की आड़ में हमारी मुनाफिक छुप जाती है इस अल्लाह ने दो मिसालें दी एक वो जिसका दिल ही खोटा है अल्लाह ना करे कोई हो। हम मुसलमानों में ऐसे नहीं है ज्यादा कोई लड़का होगा जो किसी लड़की से शादी के लिए मुसलमान हो जाए वो भी कोई वेस्ट में एक आधा ही होगा अब उसकी भी जरूरत कोई नहीं रही अब लोग लिबरल हो गए लेकिन हम दूसरी किस्म वाले से आदा है नमाजें पढ़ते तस्वीया रखते जाए नमाज बांटते जमजम लेकर आते ए बी सी डी सी सब करते हैं लेकिन हम कुरान की हिदायत से फायदा नहीं उठाते ये वर्सेस टू रीड है हमारे लिए वर्सेस एक्ट अपॉन नहीं है और ऐसे लोगों को अल्लाह तला ने यहाँ बता दिया कि तुम्हारा आखरत ईमान है सिर्फ नाम का करो क्या आपके मेरे लिए अमल अल्लाह की रजा पानी है रदी में दाखिल होने तो अपने अंदर से चुन -चुन के, निफाक के खत्म करने पड़ेंगे और याद रखिए निफाक नजर नहीं आता आपको बहुत बड़े अल्ट्रासाउंड कराने पड़ेंगे आपको सिटी स्कैन कराना पड़ेगा कितनी मशीनों में से गुजरेंगे और दो तीन लफ्स लिख लें हैं कोडवर्ड की बढ़ाई बड़ाई है मेरे अंदर मैं बड़ी बनती हूं अकड़ है मेरे अंदर दूसरों को ये तो तोय करती हूँ बाजार बड़े आजिज होते हैं कुछ लोग अंदर सेकड़े हुए हक की वाले हक सामने आगे नहीं मैं नहीं मानूंगी सारा कुरान पढ़ नहीं पढ़ा लूंगी दस बार पढ़ लूंगी फला हुक्म मैंने नहीं माना ये ये की भरा और दूसरा दुनिया परस्ती हलम मजीद हलमे मजीद अगर आप अभी नए नए आए हैं जैसे कि आप मेरे मुखातिब हैं आपके लिए आयतें नहीं है देखिये मैं अपने ऊपर लेके कहूंगी ये रकू नए कुरान सुनने वालों के लिए नहीं है आप में जो फर्स्ट टाइम कुरान का दौर करने आया उनके लिए बिल्कुल ही ये मेरे जैसे पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए ये हमारे लिए जिन जिन्होंने लोगों का जीना धोबर किया हुआ जो हर वक्त लोगों को कुरान की दावते देते रहते हैं अपने दामन में झांकेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने हमारे दिलों के ऊपर मोहरें तो नहीं लगा दी याद रखिएगा कि ये निफाक का कीड़ा ही था जिसने नब्लम के साथ होने वाले लोगों को भी नहीं दिया फायदा अबू बकर को नजर आ गए सलमान फारसी फारस से चल के आ गए अबू हुरैरा कहाँ से फारस से आ गए हैं और फायदा उठा गए हैं लेकिन करीब के अबू लाहब को नबी भी नहीं नजर आए आपके साथ ही जो सात दिन रात आपके साथ उठते थे वजह क्या लिखिए फायदों के हरीस मसलतों के हरीस एफ्स एंड बर्ड्स नहीं नहीं अभी नहीं हमारी मजबूरियां बहुत है ये है जरा और सोच लो जरा और सोच लो आजमाइश का हर मौका इनको सच्चे दीन से कुछ और दूर कर देता था अपने मुफात प्रस्ताना जहन को सामने रखकर अल्लाह के नबी की बातें सुनते थे क्या मुश्किल है और साहबा को कहते थे देखो ना क्या छोटी चुट छोटी बातों पे तुम आगे हो गर्मी नहीं लगती तुम्हें तुम्हें घरों में कोई काम नहीं तुम्हारे मियाँ ये नहीं कहते वो नहीं कहते छोटी सी बातों पे अपने आप को बर्बाद कर रहे हो छोटी सी बात है ये है वो है तो उनको ये नहीं पता था कि वो ये वो रास्ता की जिसपे एक दफा चल पड़ो तो पीछे आने में इंसान को कभी भी मजा नहीं आता अल्लाह और बंदे के ताल्लुक के बीच में सफर आगे चलता है लोगों को वो पत्थर लग रहे होते हैं आपको वो रेशम के बॉल लग रहे होते हैं इसलिए फिर इसमें आप अपनी मर्जियां नहीं कर सकते और ये मोहब्बत का सौदा है प्यार का सौदा है अब बच्चे हो रहे हैं माँ के लोग बच्चे पैदा कर रही रातों को जागना पड़ेगा माँ से तो पूछिए वो बच्चा उसके लिए क्या तो अल्लाह तला ने सब करके बता दिया कि मैंने रास्ते दिखा दी यहाँ पे आप देखिए हिदायत के अतबार से तीन गिरोह होते हैं काले सफेद का फर्क अल्लाह ने दे दिया मोहम्मद के साथ आपको देकर पहचान गए लेकिन दूर वाले तो मान गए करीब वाले ना माने अब यहां से आगे आप देखिए कि या यास के साथ पहली दफा इंसानियत को खिताब है इसका टॉपिक लिख लीजिए रब का पैगाम उसके बंदों के नाम अल्लाह तला ने इस कुरान को कोई ऐसी मुबहम चीज नहीं रखा कि आम लोगों को समझना आए तुर्कु नंबर तीन है इंसानियत के नाम रब का पैगाम पहली दफ़ा किताब है या अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया यही तुम्हारा बचाव है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर, इससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी खबरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर ना करो हमने अपने बंदे पर जो कुछ उतारा है इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लो तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अकेले नहीं कर सकते तो हाँ बस अगर तुमने ना किया और अगर तुम हरगिज ना कर सकते और तुम हरगिज नहीं कर सकते तो इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है जो कुफार के लिए तैयार की गई है और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियां दे दो जिनके नीचे नहरें बह रही है जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे इमेजिनेट कीजिए अपने आप को वहां ले अल्लाह आप सबको भी जन्नतों के फल दे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो वो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे और इनके लिए इन बीवियां हैं साफ सुथरी और वो इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं ये कोई शॉर्ट टर्म पैकेज नहीं है ये टू वीक्स का पैकेज नहीं है ये लंबा पैकेज है यकीन तला के बयान करने से नहीं शर्माता शर्मा मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज की हो ईमान वाले तो इसे अपने रब की जाने से सही समझते हैं और कुफार कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है इसके जरिए बहुत सारों को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त दिखाता है और लोगों अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है और गुमराह तो सिर्फ कौन होते हैं बोलिए गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है यानी एक चौथा नाम आ गया गुमराहों का फरमाया गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है से आप देखिए कि तक जो हमने पढ़ा पता क्या चला कि अल्लाह तला की बयान करदा मिसालों से सहाबा कराम के ईमान में इजाफा होता था क्योंकि वो अल्लाह से जुड़े हुए लोग थे हिदायत के अतबार से ये जो चौथा गिरोह है ना ये बड़ा खतरे में इनको है इनको फासिखी कहते हैं मुनाफिक और फासिक का फर्क क्या है बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं भी अक्सर कोशिश करती हूँ बता दिया करूं आप देखिए कि मुनाफिक के दिल में खोट होता है ऊपर से बड़ा अच्छा बनता है वो खुश रखना चाहता है दीनदारों में आएगा तो दीनदारों का रूप बना लेगा दुनियादारों में आएगा तो दुनियादारों का रूप बना लेगा ठीक है फास्क उससे भी एक दर्जा बढ़ा हुआ है उसके अंदर से तो शर्म ही खत्म हो जाती है उसको तो शर्म भी नहीं आती गुना करते हुए न्यूड पुहश गंदा जिसम फ्रोश गलत काम करने वाला न्यूड फिल्में बनाने वाले और इस तरह की बेहूदगियों को आम करने वाला कि जिसके बाद एक इंसान तस्वर तो भी ना करे तो ये वो मुआरे का नासूर है कई दफा बंदा सोचता है कि मच्छरों की बात क्यों आ गई याद रखिए कि फासिक किसी भी मुशरे के मच्छर है गंदगी फैलाते हैं आज भी देखिए नेट मीडिया और सोशल मीडिया के आम होने से क्या बच्चों की आंखें नापाक हो गई गंदगी आम हो गई अल्लाह साल ने सब कराम की मिसालें देकर आपको मुझे क्या बता दिया कि सहाब का अल्लाह तला की हमत में जो पोशीदा चीज थी ना खैर और भला इस पर यकीन था और अल्लाह तला का जो इल था उनकी नजरों में हक था वो कुरान की कोई आयत सुन के बहस नहीं करते थे ये क्यों वैसे क्यों वैसे क्यों नहीं इसीलिए फिर रजी अल्लाह अगर आप इस रुकू की रोशनी में देखिये तो अहल ईमान और फासिक में एक बड़ा फर्क है आप अपने नोट्स के अंदर एक लाइन भी लगा सकते हैं फर्क क्या है अहल ईमान हक की दावत को फौरन कबूल करते हैं इसके बरक्स फास्किन हक के मामले में गैर संजीदा होते हैं पहले वाले इल्म के मतलाशी होते हैं उनका दिल करता है हैं में नफे वाला इल्म मिले जबकि फास्कीन इल्म और अमल से आरी होते हैं उनको नफे वाला नहीं चाहिए उनको बेकारियात का अमल चाहिए मोमिन जो होते हैं वो नेकियों के हरीस होते हैं जब के आपको मुझे भी लोगों में कर दे फरमाया जो लोग अल्लाह तला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह तला ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं और तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो फुरू मिला। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा फिर जिंदा करेगा फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया फिर आसमान की तरफ कसर किया और इनको ठीक ठाक सात आसमान बनाया वो हर चीज को जानता है तो ये था इंसानियत के नाम रब का पैगाम आयत इक्कीस से उनतीस तक के इस रुकू में आपने मक्की दौर का जितना कुरान नाजिल हो चुका था टू थर्ड कुरान मक्का में नाजिल हो चुका था सूरत बकरा नाजिल होने से पहले ये उसका खुलासा था अल्लाह की बात हो गई नबी की बात हो गई कुरान की बात हो गई जन्नत की बात हो गई जहन्नम की बात हो गई और आप देखिए कि अल्लाह ने पहला पैगाम जो इंसानियत को दिया वो क्या या सो को। इबादत करो पहला डूस लिख सकते हैं आप अभी तक कुरान में डूज इंटरगेटिव या सीगा अमर में पहला हुक्म क्या है सो बुध ओ बुध इबादत करो सारी बातों का खुलासा रब के बंदे बन जाओ इताद सबमिशन बंदगी आज गुलामी रब के आगे ले आओ अल्लाह तला की इतात अख्तियार करने का हुक्म दिया फिर इसमें हमने देखा कि एक चैलेंज है कि कुरान जैसी किताब ना कर दिखा दो फिर फांसी की तारीफ हमने देखी और दो जिंदगी और दो मौतें फकीफ तक फुरून अबिल्ला में हमारा आलम अरबा से शुरू करके ये सेकंड फेज जो इस मेरा चल रहा है फिर हमें मौत आनी है फिर कबर में जा जिंदा किया जाएगा और फिर बिलाखिर हशर में उठाया जाएगा ये सिर्फ इसे एक आयत में हम पढ़कर आ गए कि तुम इनकार कर कैसे सकते हो तुम्हारी तो अपनी औकात नहीं ना इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाओगे अब सोचिए तो सही क्या आप पर मैं अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं क्या हम अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं तो फर्क कितना को बीच में ये बीच की तीस चालीस साल की जिंदगी उसमें भी शुरू निकाल दीजिए बचपन आखिरी उम्र अर्जल ये बीज की जवानी दीवानी मस्तानी जो पंद्रह यही नहीं संभल रहे तो लिहाजा इस रकू से पढ़ने से क्या अल्लाह की रजा के काम मिले हमें नोट कर लीजिए रब की बंदगी करनी है इनशाला किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना ईमान लाना है नेकमाल करने अल्लाह की बातों को हक जानना है और खुद से एक सवाल कीजिए क्या मैंने अल्लाह की गुलामी के तरीके इख्तियार कर लिए सीख लिए सारी बातों में खुलासा एंड पे यही निकलना है कि बंदे बन जाओ अया कना बुदू जब आपका दिल अल्लाह के आगे बिछने लगता है ना मैं सोचती हूँ अल्लाह को कितना को प्यार आता होगा देखिए जब आपको अल्लाह तला पे प्यार आता है ना तो उस वक्त अल्लाह को भी आप प्यार होता है मैं सुबह से सोच रही थी कि रदी अल्लाह पहले है फिर रदु है अल्लाह पहले राजी होता है आप में होते हैं ये जो हमने बच्चों को गलत कॉन्सेप्ट दिया अल्लाह मारेगा अल्लाह नाराज होगा अल्लाह बड़ा गुस्सा करता है उस गरीब बच्चे को क्यों कहते हैं अल्लाह राजी होने के लिए तैयार है तुम करो तो सही और इस एक रुकू में आप देखिए कि जो मक्की दौर के लोग थे ना उनका ए, उनके दो बड़े शिरक थे आबा परस्ती जिसको आप इंसेस्टर्स वर्शिप कहते हैं जो बाप दादा करते थे वो करना बड़ों की बातें आज भी देखिए पढ़े लिखे दौर में हर चीज नहीं हो गई लेकिन जहां रस्म रिवाज और शादी के तरीके और कुछ मजहबी रसूमा की बात है मेरी दादी ऐसे करती थी मेरी सास समा ये करती थी वो करती थी अल्लाह ने इसको खत्म कर दिया अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे सामने मैं हूं नहीं हूं ना इसलिए ये कुछ कर रहे हो जिस दिन कल मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा तुम देखोगे कि तुम अपनी जगह पर टिक नहीं सकोगे तो लिहाजा इस सारे को पढ़कर आपने मैंने अपने दिल में क्या दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे ऐसा बना ले से जीने और मरने का मकसद अदा कर दे और मैं सहाब कराम की तरह हक सुनकर मान जाऊ और इसको कबूल कर लू वरना तो याद रखे बातें ही बातें हैं अब तरतीब के अतबार से अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो सूरत फातह में आपने दुआ की थी असरातल मुस्तकी खुलासा करा देती सूरत बकरा में अल्लाह ने कहा काज किताब बुला रही बफी मुत्तकीन। चलो हिदायत चाहिए तो तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा फिर पहली पांच में आयत में मुत्तकीन, छः और सात आयत में कुफार और आयत नंबर आठ से बीस तक मुनाफिक और अब आखिरी जो रुकू पड़ा है इसमें फासिकीन यानी अभी तक हम हिदायत के अतबार से चार गिरोहों का तस्करा पड़ चुके अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इंसान दुनिया में क्यों भेजा गया हर एक का दिल चाहता है कि माजी की बातें पता चले बच्चे भी आपसे पूछते हैं क्या करना है क्या तो आइए जरा रुकू नंबर चार को सुनते हैं खिलाफत की जिम्मेदारियों को कैसे अदा करना है इस रुकू की रोशनी में आयत नंबर थर्टी से शुरू है वह मलाइका और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ तो उन्होंने कहा कि तू ऐसे शख्स को क्यों कर पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए और हम तेरी तस्वीर हमद और पाकिस्की बयान करने वाले हैं अल्लाह तला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते इन आलम क्या जानता था अल्लाह कि खिलाफत की जिम्मेदारियां इंसान पूर पूरी करेगा फरिश्ते तो सिर्फ तस्वीर करते हैं लेकिन इस कायनात में अल्लाह के पैगाम को दुनिया में नाफि करने का काम इंसान करेगा व और अल्लाह तला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ इन सब ने कहा है अल्लाह तेरी जात पाक है हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है पूरे इल्म और हमत वाला तो तू ही है अल्लाह तला के आगे बहस नहीं की बस अपने इल्म को अल्लाह की तरफ डाल दिया अल्लाह तला ने आदम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि जमीन व आसमान का गैप मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया इसने इनकार किया और तकबर किया और वो कुफार में से हो गया असल थी ना वो खुल के सामने आ गई इबादत के लुबादे में अपने आप को छुपाया हुआ था लेकिन अपनी औकात में आ गया और हमने कह दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो जहां कहीं से चाहो ब फरागत खाओ पियो लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना झालिम हो जाओगे लेकिन शैतान ने इनको बहकाकर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है यानी इस दुनिया में तुम्हारा टेम्परेरी रेजिडेंट है परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है ग्रीन कार्ड भी नहीं तुम्हें मिलना पासपोर्ट की क्या उम्मीद रखते हो तुम है हजरत आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ने इनकी तोबा कबूल फरमाई बेशक वही तोबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है अल्लाह ने तोबा करना भी सिखा दिया फिर क्या हुआ हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे तो इसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व खुजन नहीं और जो इनकार करके हमारी आयतों को छुटलाए वो जहनुमी है और हमेशा इसी में रहेंगे अल्लाम ला तमिन तो ये थर्कू नंबर फोर थर्टी से थर्टी नाइन इंसानी जिंदगी का आगाज जमीन पर कैसे हुआ इससे हमें पता चला कि इंसान की हैसीत इस दुनिया में क्या खलीफा खलीफा यहाँ किस सेंस में अभी बता देती हूँ दूसरी इसमें हमने देखी इंसानों के बारे में फरिश्तों के अंदेशे फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ फिर अल्लाह ने इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत की बात की इबलीस की हट भरमी देखी और अल्लाह की तरफ से हिदायत जो हम तक पहुंच गई है हम इसके बाद क्या करते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक कितना महसूस करते हैं इसकी रोशनी में तो देखेंगे के रदी अल्लाह वरदू अन में शामिल होने के लिए इस रुकू में हमें क्या कुछ मिला नंबर एक अल्लाह की हमद कीजिए बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह थक तो नहीं गए नींद तो नहीं आ रही चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ला कीजिए अल्लाह की सब मिलकर बोले सुबहान अल्लाह जरा ऊंची बात से करें फिर कहें पूरा कहें सुबहान अल्लाह ही वी हम चलिए फिर अगला हमने सीखा अल्लाह की पाकी बयान करना यानी अल्लाह को हर चीज से पाक करना फिर इसी तरह से जो गुनाह हो जाए उस पर तोबा करें और अल्लाह तला की रहनुमाई की पैरवी करना हम पढ़ भी इसीलिए तो रहे हैं जितना ज्यादा कुरान को अपनी इसलाह की खातिर पढ़ेंगे नींद नहीं आएगी थकन नहीं होगी और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक एक मिनट कीमती होगा फिर आप देखिए कि इस पूरे हिस्से में जो आदम का किस्सा है कुरानी पक में नौ दफा होता है आप अभी आज सिर्फ कानों से टकराने दें ये ज्यादा तफसील से आएगा सूरत अलराफ में फिर सूरत ताफा में भी आएगा आज सिर्फ इतना समझ लीजिए मैं आपको एक मास्टर प्लान बता देती हूँ अल्लाह ने इस एक रुकू से बता दिया कि इंसान को भेजा तो दुनिया में लेकिन उसके साथ एक ओपोनेंट, दुश्मन भी भेजा है ठका छुपा दुश्मन होता है ना बंदे को नहीं पता चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है लेकिन जो सीने पे हाथ गए के फेरे के जी बाहर आओ जरा तो मैं पूछता हूँ कितना डरना चाहिए आज इतनी बात लिखी क्या मुझे शैतान से इतना डर लगता है? जितना किसी की धमकी सुनकर उससे डर लगता हो नहीं अल्लाह ने इस एक रुकू में बता दिया कि मुसलमान दुनिया में खिलाफत का अदा करेंगे जब इल्म वही की पैरवी करेंगे हमारे बच्चे दुनिया की तालीम भी लेंगे और दीन भी सीखेंगे तो कामयाब होंगे ये भी मैसेज है इसका एक आंख दुनिया का इल्म एक आंख दीन का इल्म, दोनों से ठीक दिखेगा आज हमारे झुकाव है दीन वाले सिर्फ दीन पर दुनिया वाले सिर्फ दुनिया पे और दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं अल्लाह ने इस रुकू में आपको मुझे एक चीज बता दी है कि दुनिया में खैर वाले लोग थोड़े होंगे शर फैलाने वाले ज्यादा होंगे लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि फसल के दानों की तरह जो कीमती लोग हैं ना उनके खातिर भूस को लकड़ी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आप देखिए फसल में दाना बहुत थोड़ा होता है भूसा कितना ज्यादा होता है तो दाने कब होने के बावजूद इतने कीमती होते हैं कि उनकी खातिर लकड़ी और भूस के ढेर को भी अल्लाह उगने और फलने का मौका देता है इसी तरह दुनिया में खैर वाले लोग बहुत थोड़े हैं अजीज बात है हर सौ लोगों में से एक काम के। जैसे ऊँटों में से हर सौ ऊँटों में से एक ऊँट काम का होता है इंसानों में सौ में से एक ठीक है बाकी खराब है लेकिन अल्लाह ने वो खराब को भी इधर रख दिया क्योंकि जो ठीक है वही असल में क्रीम ऑफ सोसाइटी है और सहाबा में से थे लिखिए के सामने जितनी भी दफ़ा दुश्मन आए वो ज्यादा थे सहाबा कराम की तादाद हमेशा कम थी लेकिन फतः हमेशा उनको मिली आज हम मुसलमान दो बिलियन के करीब हैं आपकी मेरी ये नंबरिंग काउंट हमें नहीं बचाएगा आजकल मर्दम शुमारी हो रही है कुछ घरों में आपको भी पता चला होगा बंदा बंदा गिन के जा रहे हैं मुसलमान नहीं तो ला जाता मुसलमान का वजन होता है वेट होता है क्या मत के दिन काफिर का वजन कितना होगा सूरत काफ में जुम्मे को क्या पढ़ते हैं पला नकीम मल किया एक मोटा ताज़ा शख्स लाया जाएगा मच्छर के पर के बराबर वजन नहीं होगा और इसके बारक से एक सच्चा अल्लाह वाला बंदा इतना अल्लाह को प्यारा होता है कि लोग उसका दिल दुखाएं अल्लाह ताला उसका बदला ले लेता वो गलत बात भी कह देगा तो अल्लाह उसकी बात को सच्चा कर देगा तो लिहाजा लोगों को अल्लाह से करीब करना ये है इस्लाम और लोगों को अल्लाह से काटना और दुनिया में खो जाना ये गुमराही है और आखिरी बात जो के बिल्कुल एंड से हमें पता चलती है कि हर इंसान के सामने एक झगड़ा खड़ा होता है देखिए फरिश्ते और इबलीस के बीच में आदम को रखा सजदा करो फरिश्तों ने ना कुछ नहीं सोचा पूछा अल्लाह ने कहा है तो कर देते हैं इबलीस अकड़ गया आज कुछ लोग दुनिया में ऐसे ही हैं। अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हाँ अल्लाह के आगे सजदे बहुत से करते हैं और सजरे ममनुमा भी है जन्नत में एक दरख्त से रोक दिया गया कौन सा था आपको मुझे क्या लगा बस वो श, मैंने दो दिन अभी कल या परसों के किसी वेलकम रमजान में भी ये जुमला बोला था कि जन्नत में जो आदम के लिए शजर ममनुआ था ना प्रोहिबिटेड ट्री आज दुनिया का वो हराम है बस चार टोटल अब जब जन्नत में जाएंगे तो कोई भी नहीं होगा खुला खाइएगा राधन कुलू वशर फिलैया मिलिया ये आज इम्तिहान है वहां भी था इबलीस ने सारी जन्नत छुड़ाकर बस उस चीज के पीछे डाल दिया तो यहाँ पे अब हम इंसान की तारीख पढ़ चुके अब अगली आयत है यहां से लेके दस रुकू यानी आप अभी आयत नंबर फोर्टी से जो टॉपिक शुरू होगा ना आप इससे लेकर अगले दस रुकू इकट्ठे एक ही टॉपिक लिख लें माजी के मुसलमान मुस्लिम ऑफ पास्ट सूरत बकरा को अगर आप ऐसे काटे ना तो दो हिस्से हैं इसके पहला पारा और दूसरा पारा पहले पारे में माजी के मुसलमान जनी यहूद का तस्करा हमने सूरत बकरा में एक दौर की थी कि सिरातल सिरातल ने उसके बदले में सूरत बकरा में पिछली कौमों में से एक कौम जो अपने बुरे अमाल की वजह से गजब का शिकार हुई और अगली सूरत सूरत अल जब आलिमरान पढ़ेंगे तो उसमें दौलिन का किस्सा बयान किया तो आप लोग इसको पढ़े बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं अपने लिए कुरान पढ़ने बैठे थे और इसमें बनी इसराइल के किस्से क्यों है अभी थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको बताऊंगी रुकू नंबर पांच का मेन पॉइंट लिख लीजिए हक दूसरों तक पहुंचाना और खुद को भी हक से महरूम नहीं रखना तीन दफा आपको ये मैसेज मिलेगा या बनी इसराइल तो बनी इसराइल मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मेरे इस एहद को पूरा करो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक तस्दीक में नाजिल फरमाई है और इसके साथ तुम ही पहले काफिर न बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर फरोख न करो और सिर्फ मुझ ही से डरो और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ तुम्हें तो खुद इसका इल्म है और नमाजों को कायम करो और जक़ात दो और रकू करने वालों के साथ रुकू करो क्या तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो अफताम क्या तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो बावजूद के तुम किताब पढ़ते हो क्या तुम भी तुम में इतनी भी समझ नहीं है यानी दूसरों को कहते और खुद नहीं मानते रिवसला और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो यह बड़ी बोझल यानी शाख है मगर डर रखने वालों पर जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीन इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं ये है जी आयत फोर्टी से फोर्टी सिक्स या बनी स्टाइल कहकर माजी के मुसलमानों को खिताब किया गया नेमत और की याद दहानी करवाई गई और अल्लाह की रजा पाने वाले काम करने की दावत दी गई बनी इसराइल जिनको आज हम यहूद भी कहते हैं कुरान ने उनको अहले किताब भी कहा है चुने हुए लोग थे रियली देवर चोजन पीपल इनको तो मान है बात भी सच है अल्लाह ने अपने बहुत सारे पैगंबर इनकी तरफ भेजे और किसी गिरोह पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम होता है कि अल्लाह किसी अपने पैगंबर को उनके पास भेज दे और वो उनको अच्छी बातें बताए जैसे आज भी अल्लाह किसी के पास अपने दीन वाले को भेज दे कि लोगों को दीन की बात बताए ये उस गिरोह पर बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम होता है नफ़िर वसल्लम की आमद से पहले यहूद को अल्लाह ने अंबिया कराम के लिए चुना था लेकिन वक़्त गुजरने के साथ इनका दीन तकलीदी दीन बन गया रस्मी दीन था वो कहते ना रह गई ना रही फखर करने लग गए इसीलिए अब अल्लाह इनसे चार्ज वापस ले रहा है और इनमें बार बार इनको दावत दी जा रही है कि नबसेम पर ईमान ले आओ क्योंकि इनकी किताबों में भी यही बात लिखी थी कि आखिरी नबी आएगा और तुम उसको मानोगे लेकिन याद रखिए अल्लाह की इस पुकार पे लब्बई कहना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब उसकी कीमत पर इंसान को अपनी जिंदगी का नक्शा बदलना पड़े अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़े इज्जत और शर्फ की गद्दियों से अपने आप को उतारना पड़े लीडरशिप से उतर कर आप नीचे फॉलोअर्स में आ जाए ये तो बड़े बड़े न बर्दाश्त कर सके यहूद के उलमा ने इस वक्त नबिर को नहीं माना या नोट कीजिए रदी अल्लाह आज इस बारे का थीम इस साइड से जुड़ रहा है आपका बार बार अल्लाह उनको कह रहा है मुसलमान हो जाओ तुमने अपनी किताबों में पढ़ा है तुम खुद कहते थे कस्में खाते थे आखिरी नबी आएगा तो तुम मानेंगे तुमने नहीं माना और वो देखो अबू बकर आए तो रदी अल्लाह बन गए उमर आए तो मान गए साहबा की खूबी अब समझ आई यू जो उस दौर के रिलीजियस पीपल थे देखिये ना ये शहर है आपका आपके शहर में बहुत सारे लोग दीन को जानते हैं दीन के नाम से मशहूर भी हैं माँ तारुफ भी है उनको मिसाल लीजिए ना अब कोई दूसरा दीनदार शख्स आएगा सबसे ज्यादा किन से से रखी जाएगी खुश होने की दीनदारों कौन उससे फायदा उठाएगा दीनदार चलो हम भी फायदा उठा ले चलो हमें भी अच्छा लगेगा कुछ हमारी भी और ग्रूमिंग हो जाए लेकिन आपको तसल में होता क्या वो बेचारे इधर उधर वाले आ जाते हैं दीनदार अपनी गदिया नहीं छोड़ते वो अपनी मसंदे नहीं छोड़ते वो कहते हैं हम नीचे आके बैठे हैं। हम इधर बैठते थे नीचे बैठे हैं। हम तो लीडर थे कल हम फॉलोअर बने हम पढ़ाने वाले या पढ़ने लग जाएं ये मसला था यहूद मदीना का तो क्यों ना अपने नबी के साथियों को कहे रदी अल्लाह समझे जिसके अंदर कोई बड़ाई का एहसास होता है ना वो कभी दूसरे से फायदा नहीं उठाता उम्मीद ये की जाती थी कि यहूद नबसेम को सीने से लगाएंगे कि देखो जो कम हम कर रहे थे तुम भी तो वही करने लगे हो चलो कुछ हमने किया बाकी तुम कर लो अब मिलके करते ये जो मिलके करने वाला है ना ये नहीं था और ये नहीं है इसीलिए दीन के पौधे पे बहार नहीं आ रही हर बंदा अपना एक अलग दर बन के चमकना चाहता है ये इधर है बाघ नहीं बनता खेती नहीं बनती और उसमें टीम वर्क है उसमें जान जाती है उसमें कुछ को बैक एंड पे रहना पड़ता है उसमें कुछ को लीडरशिप के से उतर कर फॉलोअरशिप में आना पड़ता है अल्लाह ने इसीलिए उनको पीछे करके कहा जाओ तुम छोड़ो अब आगे देखिए छोटा सा रकू था फोर्टी सेवन से आगे दोबारा फिर वही पुकार है जो कि इधर दी गई यहाँ आप सुनेंगे भी कि बनी को उनकी तारीफ के और दिखाए जा रहे हैं कि अगर तुम वाकई इस नबी को मान जाते तो तुम्हारी जिंदगी कितनी हसीन होती तो आयत रुकू नंबर सेवन सिक्स है देखिए आखरत की फिक्र करना ये इसमें मेन थीम है उनके अंदर से फिक्र आखरत खत्म हुआ और माजरत के साथ अभी जो बात मैंने की है ना जिस बंदे को अपनी आखरत की फिक्र होगी ना उसको अपना सदका जारिया बनाना है उसको नामों से नहीं लगता कुछ वो कहते अगर मेरे कहने से कोई दीन की बात सीखने आता है तो मेरी कबर में उसका जल जाएगा मैं किसी को बुलाऊंगी तो मेरा फायदा होगा वो तो चल पड़ेगा लेकिन जो लोग नामों में खो जाते हैं फिर वो अपने स्वभाव को भी पीछे कर देते हैं उलमा ये खुद ना सिर्फ ये कि खुद रुके मोहम्मद मुस्तवा से वसल्लम बल्कि दूसरों को भी रोकते थे नेगेटिव डे करते थे नहीं ना ये भी तो देखो वो भी तो हमारे पास भी तो ये कुछ है तुम क्या ले लोगे कर लोगे कर तो अल्लाह ने अब उनको बताया कि देखो आखरत होने क्या या बनी इस्राइल। ए मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी इस दिन से डरते रहो आप और मैं भी सुने ये रवैया निकलेगा इस रुकू में से रदी अल्लाह में शामिल होने का क्या उस दिन से डरिए नफा न दे सकेगा और ना शिफात कबूल होगी ना सिफारश और ना कोई बदला इसके बस लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे याद रखिए जब फिक्र आखरत आखरत में बदल जाए तो ऐसा ही होता लोग आखरत का नाम भी लेते हैं लेकिन डरते कोई नहीं अमल ना बदले तो फिर वो डर मुंह का ही होगा ना बच्चा कहता रहे इम्तिहान होने इम्तिहान होने लेकिन पढ़े ना तो क्या है उसका डर कुछ भी तो नहीं इसी की तरफ इशारा फिर उनकी तारीख का एक वर्क और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी आजमा फिरौन रहा था और अल्लाह करे बलाओ मे रबी को मजीद क्या पता चला कि बुरे हुक्मरान अल्लाह का जब होते हैं हमारे अमाल हमारे उमाल बन जाते हैं हम जैसे अमल करते हैं वैसे लोगों को अल्लाह हमारे ऊपर मुसलत कर देता है और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया और फिर को तुम्हारी नजरों के सामने इसमें डुबो दिया और हमने मुसीलाम से चालीस रातों का वादा किया फिर तुमने इसके बाद बछड़ा पूछना शुरू कर दिया और जालिम बन गए लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो क्या पता चला कि अल्लाह बार बार माफ़ करता है हमें बार बार शुक्र करना है और हमने फिर हजरत अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोजा फरमा दिए जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा मेरी कौम बछड़े को मबूत बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है बस अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो अपने आप को आपस में कत्ल करो तुम्हारी अल्लाह नजदीक है तो इसने तुम्हारी तोबा कबूल की और वो तोबा कबूल करने वाला और अहम करम करने वाला है और तुम इसे भी याद करो तुमने हजरत मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने देख न ले हर किसी मान न लाएंगे जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी लेकिन फिर भी इसलिए लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्र गुजारी करो और इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें फिर एक और मौका दिया कैसे दिया आप देखिए कि अल्लाह इस कौम के साथ क्या करता है फिर इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया कितनी हिरस दिख रही है अल्लाह ताला की तरफ से इनको हिदायत देने की और क्या ये सारे बनी पे जो चालीस साल के अंदर मुख्तार इनामत थे उसका तस्कर और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दीवी पाकिजा चीजें खाओ और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया अलबत्त वो खुद अपनी जानों पर म करते थे आज भी जो बंदा गुना करता है जो ज्यादा करता है अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता नुकसान अपना होगा और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो वह फरागत खाओ पियो और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो और जुबान से है तुन कहो हम तुम्हारी खतए माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे अल्लाह में नकियां करने वाला बना दे फिर इन जालिमों ने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाली हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस करना फरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया तो क्या पता चला आप देखिए कि इस रुकू में हमें आयत फोर्टी सेवन से फिफ्टी नाइन में जो बातें पता चली नंबर एक क्या मत का दिन आज भी जितने लोग लड़ रहे हैं ना दीन के नाम पे सियासत के नाम पे विरासत के नाम पे एक छोटा सा सांप कमरे में निकल आए ना तो लड़ने वाले सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बचाने लग जाए आज दीन के झगड़े क्यों हैं फिक्र नहीं है कब्र के साम पिछू याद नहीं है बाकी चीजें इसी पे क्या कीजिए आपका मेरा काम क्या है क्यामत को उसकी रियलिटी के साथ महसूस कीजिए आजकल दिन ब दिन कुछ कम हो रहा है हमारा क्योंकि हम क्यामत से नहीं डरते फिर इनामत भी अल्लाह ने बता दिए और इनामात पर जो बनी इसराइल का रवैया हुआ वो भी बता दिया शुक्रापन और अल्लाह की रजा के काम क्या इसमें पता चले कि जब अल्लाह तला कोई नमत दे तो ना शुक्र ना कीजिए आपको भी मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया एक एक नेमत को गिन गिन के अल्लाह तला से कहा करे कि अल्लाह तला वो क्यामत का दिन जो इतना सख्त दिन आने वाला है हमें उस दिन से पहले ही अपनी मामला की असलाह की तोफीक दे आज दुनिया में किसी को नहीं पता चलेगा मैं कौन हूँ आप कौन है आपकी नीयत क्या मेरी क्या लेकिन क्या के दिन बड़े बड़े पे सबको दिखाया जाएगा खुद से पूछिए क्या मुझे बाकी आखरत का हम है फिक्र है कल मेरे साथ क्या होगा कल मैं क्या किस जगह आजमाई जाऊंगी इन सारी सवाल जवाबों के बीच में अपना मुहासबा करना कभी ना भूलें पढ़ने के दौरान सुनने के दौरान हम मुहासबा अगर छोड़ देंगे ना तो सिर्फ रीडिंग है इसलिए रुको नंबर सेवन को बड़े गौर से सुनिएगा माजरत के साथ कहूँ कि ये बनी इसराइल का नहीं आज के मुसलमानों का रवैया दिखता है जितने हम पूरा साइश और पुरतष जीने के आदि हो गए और खाना पीना हमारा मकसद हयात बन गया जरा देखिएगा टॉपिक क्या है कि जमीन पर फसाद फैलाते ना फिर कैसे जब सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा वस्खा मुसाल ही तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो जिससे बारह चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया और हमने कह दिया कि अल्लाह तला कर इस खाओ पियो और जमीन में फसाद ना करते फिर क्या पता चला कि खाओ अल्लाह का और ना फरमानी करो उसकी यही फसाद है और जब तुमने कहा है मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हर सबर ना हो सकेगा आपके घर में तो नहीं आवाज आती हम रोज एक ही खाना खाए हम रोज एक ही तरह का खाना खाए हमने इतना खिला दिया अपने औलादों को वो कहते हैं कि मिन्नतें करके तेरी हमने तुझे बिगाड़ दिया एक खाना नहीं होता एक ही तरह का होता है असल में एक ही तरह का चिकन एक ही तरह की फिश एक ही तरह की सब्जी एक ही तरह के नगेट्स दस चीजें रोज दिखाएंगे तो एक ही लगेंगी ना ये मुराद है क्या कहा इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें जमीन की पैदावार साग ककड़ी गेहूं मसूर और प्याज दे आपने फरमाए बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो अच्छा शहर में जाओ वहां तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी इन पर जिल्लत और मस्किनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे ये इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को ना हक करते थे ये इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का नतीजा है क्या पता चला कि जब मकसद हयात को भूल कर कोई भी कौम सिर्फ खाओ पियो ई ड्रिंक बी मैरी मौज मस्ती पे आए तो अल्लाह तला उसको फसाद कहते हैं अल्लाह के बंदों से ताल्लुक बिगड़ जाए और बंदों के बंदों से ताल्लुक बिगड़ जाए तो आज सिक्सटी सिक्सटी वन में क्या देखा अल्लाह ने बनी इसराइल पर बहुत से इनामत किए थे लेकिन उन्होंने नाफ़रमानियों को अपना शुर् बना लिया फिर अल्लाह ने उन्हें व छीन ली और बनी इसराइल के खिलाफ एक चार्ज शीट है ये क्लिक करो टिक, टिक, टिक। और साथ ही साथ हम भी अपना ताल्लुक बिल्ला कि हमारा अपना हाल क्या है क्या आज हमें नेमतों की कोई कमी है उनको मन और सलवा मिला हमारे पास नहीं है मन सलवा अभी फ्रिज खोले देखे ढेर है आपके पास फ्रीजर खोलने रखने की जगह नहीं है आप पैसे ला, ला दस चीजें मंगा लीजिए क्या उतना शुक्र भी है जितनी नहमतें आज इस बात की बहुत जरूरत है इस साल के रमजान को अपने लिए गोल बनाए कि हमने सिर्फ खिलाने पिलाने में तो नहीं देनी सिर्फ हम खाने पीने चटपटे मसाले मिले आज हमें वक्त क्यों नहीं मिलता लुक्तरे दौरे रन के लिए क्यों नहीं आएंगे पता नहीं अभी आप आ रहे हैं रमजान में आएंगे कि नहीं या पता नहीं और भी आएंगे इन शाह लेकिन अमूमन किचन में हम क्यों रहते हैं चटपटे खाने मसाले टेस्ट कॉन्शियस कॉन्शियसायकों के हरीस अल्लाह ने इनको दुनिया में खिलाफत के लिए चुना था अपना पैगाम आम करो तुम दुनिया को अल्लाह से जोड़ो आज आपको मुझे भी यही काम दिया और हम इनको छोड़कर पकौड़े तलने लग गए समोसे बनाने लगे बुरे भी नहीं थे लेकिन साथ ये भी तो काम करते रहते तो याद रखिए जन्नत अमल से मिलेगी सिर्फ नहीं और इसमें शुक्र सबर तवाजो और कनात ये चार बड़े रवैये नोट कर लें ये अपने बच्चों में डाल दें इसलाह होगी और न शुक्री बेसबरापन घुमंड और हिर ये फसाद है माजरत के साथ कहूंगी कि आज हमारा पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों को बिगाड़ने का हो गया मत पूछिए अपने बच्चों से बेटा क्या खाओगे अच्छा बेटा ये बना दू अच्छा बेटा वो कर दो नहीं एक दिन उनकी मानते हैं तो तीन दिन अपनी मनवाइए वरना ये बच्चे आपके काबू में नहीं रहेंगे बाहर के फितने बहुत सारे हैं अल्लाह उनकी भी और हमारी हिफाजत करे आगे देखिए रुकू नंबर आठ है किताबल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम करने की जरूरत है कैसे अल्लाह तला फरमाते मुसलमान हो यहूद हो नसारा हो या साबी हो जो कोई भी अल्लाह तला पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाए और न कमल करे इनके अदर इनके रब के पास है और इन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी गा कीजिए हम ऐसे ही लोगों में हो जाए टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी हमारी इन एक रिवायत है अजर सलमान फारसी ने अल्लाह के नबी को अबीर जो इबादत के लिए एक मुकाम पर जमा थे उनका किस्सा सुनाया तो आपने ये लोग फरमायाहनमी हैं हजरत सलमान कहते हैं किबारक नाजिल फरमाय मतलब क्या है कि सिर्फ नाम रखने से बात नहीं और वो कहते हैं कि इन आयात के उतरने से गोया के मुझसे पहाड़ हट गया और इस आयत के बारे में हजरत इबन मसूद कहते हैं कि बाज रसूल से यह नकल करते हैं कि नल्लजीनामन लजीना हादू जर सलमान फर्सी के बारे में नाजिल हुई आप साबूर के लश्कर और इनके अशराफ में से थे और इसके बाद की आयत फिर यहूद के बारे में नाजिल हुई ये उन में से है जो सहाबा में से किसी के दाम पे थी। लेकिन मैं आपको इस आयत के नाते से ये बता देती हूँ कि खुश फहमियों का इजाला अल्लाह ने चार मजाब के साथ मुसलमानों को भी डाल दिया कि सिर्फ नाम मुसलमान रखने से तुम नहीं बचोगे जब तक अमनु व आमिले हाथ नहीं करोगे फिर बनी इसराइल की तारीख का एक वाक्य और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया इसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच सको लेकिन तुम इसके बाद फिर गए इसके बाद भी फिर गए फिर अगर अल्लाह का फजल और उसकी राहमत ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते बार बार इस की और तुम्हें इन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ इसे हमने अगले पिछलों के लिए इबरत का निशाना इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वास और नसीहत का सबब मरू वाकया है बंदर बनाए जाने वाला इसकी अल इनशाफ में पढ़ेंगे और वहां इस पर काफी ज्यादा बात होगी अब अगला वो वाक जिसकी वजह से इस सूरत को सूरत बकरा कहते हैं और हजरत मुसीम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें गाय जबा करने का हुक्म देता है तो उन्होंने काम से मजाक्यू करते है आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह की बना पकड़ता हूँ शुरुआत के बाद ये पहली दुआ आ रही है तरतीब के अतबार से अगर आप ले इस पर किताब बेफिनी करीब हमारे पास सीधा शहर स्टॉल पे भी होगी तो इसमें तरतीब से सारी दुआएं हैं कुरानी दुआएं तो ये जो दुआ है ये उसी में आपको नंबर टू दुआ पे नजर आएगी आप चाहें तो हर पारे के साथ उस पारे की दुआएं भी याद कर सकते हैं उन्होंने कहा है मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह तला हमारे लिए इसका हुलिया बयान कर दे आपने फरमाया सुनो वो गाय ना तो बिल्कुल बच्चिया हो ना बच्चा बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसको बजा लाओ वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह तला बयान करे कि इसका रंग कैसा होगा फरमाया वो कहता है कि वो गाय जरत रंग की हो चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला इसका रंग हो गाय ना हो गई लड़की पसंद करें है उसके अंदर कितने नक्स निकाल रहे हैं वो कहने लगे अपने रब से दुआ कीजिए हमें इसका मजीद खुलिया बताएं इस किस्म की गायें तो बहुत हैं पता नहीं चलता अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली वाली ज़मीन में हल वाली और खेतियों को पानी पिलाने वाली नहीं वो तंदरुस्त और बेदाख है उन्होंने कहा अब आपने हक वाज कर दिया गो वो हुक्म बरदरी यानी वो हुक्म मानने वाले न थे लेकिन इसे माना और वो गायेबा कर दी ये गाय का वाक्य है आप सोचते होंगे कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है जो इधर बयान की गई है तो याद रखिए कि इस वाक्य के पीछे तीन मुख्तलि वाक्यात है नंबर एक मिस्रियों में रहते हुए बनी स्टाइल जो उस दौर के मुसलमान थे उनके अंदर गाओ परस्ती यानी गाय की पूजा का कॉन्सेप्ट आ चुका था दूसरी बात है कि वक्त के साथ साथ उनमें मरने के बाद जीने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था और तीसरी बात यह है बताइए क्या होगी तीसरी कत्ल भी हो गया था तो अल्लाह ताला ने इन तीनों की वजह से ये वाक इधर हमारे सामने रख कर क्या बता दिया कि अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दों को जिंदा करते और इसी तरह से अल्लाह जिस कौम को कोई हुक्म दे उसको फौरन मान लेना चाहिए लेकिन ये कौमे सवाल जवाब बहुत करती थी आम सी गाय लेते जिबा कर देते सवाल कर कर के इतनी मुश्किल हो गई कि बाद में बड़ी महंगी वो गाय मिली और फिर उन्होंने उसको ज़िबा किया और उसके बाद आपको पता है कि वो गाय फिर जब जिबा हुई फिर वो सारा वाक आगे जो हुआ आगे सेवन टू किस्सा आएगा तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के, के हुक्म को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए इल्म लीजिए दीन सीखिए और अमल शुरू कर दे बहुत बारीक बातों में फिकी बहसों में पड़ जाना तवीलों में पढ़ना ये दिल को सख्त कर देता है इसको हम इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे लेकिन इधर से आप देखिए तो जमीन में फसाद ना फैलाओ ये मेन थीम था इसमें कामयाबी का मैार क्या है अल्लाह जो कहता है उसको मान लो यहूद शहद लिया गया क्या आपसे मुझसे भी लिया हुआ है बिल्कुल लिया हुआ है ला इलाहा लाला कहकर भी हम अल्लाह शहद ही कर रहे होते हैं उस कौम ने अहद शिकनी की तो क्या हम भी करते हैं बिल्कुल करते हैं कभी टूटता है अहद आपने कलमे के तकाजे पूरे हर जगह होते फिर उनको अहद शिकनी की सजा मिली आज हमें भी मिलती है हमें नहीं पता ये महंगाई हम पे अहद को ना पूरा करने की सजा हो फिर गाय को जिबा किया पता क्या चला कि जिसको जिबा करने से वो इतना डरते थे कुछ भी नहीं हुआ आज हमें भी कुछ चीजें करते हुए बहुत मुश्किल लगती हैं अल्लाह का हुक्म समझते हुए उसको कर लीजिए तो अल्लाह की रजा को पाने के लिए शर्त क्या कि सवाल जवाब में पढ़ने की बजाय अमल करने का जहन बना लीजिए आगे रकू नंबर नौ है बहुत ही खूबसूरत थीम है ईमान और अमल साले से जन्नत पाने की कोशिश करनी है यानी जन्नत दुआओं से नहीं मिलती ख्वाहिशों से नहीं मिलती कैसे मिलती है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जखनुम भी ये अपनी फितरत में न नूरी है न ना नारी अब उसी में कंटिन्यूएशन में तीसरा उजर क्या था इस कतल तुम नफसन जब तुमने एक शख्स को कतल कर डाला फिर इसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो वो जी उठेगा इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियां दिखाता है अल्लाह ने दिखा दिया कि मुर्दे जिंदा होंगे अब ये है सीक्वेंसेस। ये बहुत ही अहम आयात है सुम मकसद फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकलता है। और बाज अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह को अपने आमाल से गाफिल ना जानो क्या इस वक्त अल्लाह को मारा पता इस वक्त तुम्हारा दिल जा रहा है कि अल्लाह को बताओ हमारा लेकिन जब तन्हाई में कुछ देखते सुनते बोलते अल्लाह उस वक्त भी देख रहा होता है मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमान वाले बन जाएं? हालांकि इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को सुनकर अक्ल और इल्म वाले होते फिर भी बदल डाला करतेवेंटी फाइव भी नोट कीजिए अल्लाह यहूद के ओलमा को कहते हैं कि तुम ईमान ले आओ इसके बरक्स आप देखिए कि सहाबा को कहना नहीं पड़ा और वो अल्लाह के नबी को उस वक्त पहचान गए जब आपके साथ कोई बहुत के नहीं थे कुछ लोगों का अमल क्या था ये यहूद के दूसरों से छुपाते थे कैसे जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई है क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह के पास ये तो अल्लाह तला के पास तुम पर क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर इनकी हजत हो जाएगी क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह इनकी पोषिदगी और जाहिर दारी सबको जानता है घर का बच्चा किसी मेहमान को कोई खबर दे देना तो बड़ी शर्मिंदगी होती है यबूद के उलमा अंदर खाते खबरें रखते थे और मुसलमानों में से जिनसे उनकी दोस्तियां थी उनसे नबसेम की महफिलों के किससे पूछते थे उसी का तस्करा अल्लाह तला कहते हैं अगर इतना ही शौक है तो आके बैठ जाओ हमारे खुद नहीं आकर बैठते थे लेकिन दूसरों को भेजते है कि जाके देखो जरा मोहम्मद के महफिल में क्या होता है साहब कराम ने ऐसा कुछ नहीं किया और खुश फहमिया क्या थी उन लोगों की वी आर चोजन पीपल हम तो जन्नत में जाएंगे इसीलिए आगे उनकी खुश खुश फहमियों की बात करते हैं वमिन और इनमें से बात अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहिर अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गोमान और अटकल पर ही हैं इन लोगों के लिए वहील है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह तला की तरफ की कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं इनके हाथों की लिखाई को और इनकी कमाई को हलाकत और अफसोस है तो आखिर जी आज उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे क्या अपनी मनपसंद बातों को दीन की बातें कहकर अल्लाह की कहकर लोगों के सामने पेश कर दें और खुशफहमी क्या थी ये लोग कहते हैं हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नुम में रहेंगे इनसे कहो क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है यानी कोई अथॉरिटी लेटर है तुम्हारे पास अगर है तो यकीन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा हरगिज़ नहीं बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते यकीन जिसने भी बुरे काम किए और इसकी नफरमानियों ने इसे घेर लिया वो हमेशा के लिए जहन्नुमी है सारी खुशफहमी अल्लाह ने इनकी दूर कर दी कहते थे हम जन्नत में जाएंगे आज भी हम कहते हैं अल्लाह कहते हैं नो कौन जाएगा जन्नत में आयी टू और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करें वो जन्नती हैं तो जन्नत में हमेशा रहेंगे अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को मिनी लोगों में शामिल करें तो आप देखिए कि आय सेवन टू से एटी टू में हमने क्या देखा अपनी खता खताओं में खोए रहते हैं खताकारी का पैकर यानी गुना को छोड़ना नहीं और खुश फहमी क्या इस दरवाजे से गुजर जाओगे तो जन्नती ही ये काम कर लो तो बख्शे जाओगे आज भी मुसलमानों ने बहुत सारी ऐसी चीजें मशहूर कर दी हैं अमल के बाद करते तो शायद कोई गुंजाइश निकल आती लेकिन अमल छोड़ के किसी शॉर्टकट के रास्ते जन्नत में नहीं जाएंगे फिर इसमें हयात बादल ममाद की बात हुई कि मरने के बाद जिंदा किया जाएगा संग दिली की मिसाल हमने देखी कि पत्थरों के अंदर से पानी निकलता है हमारी आंखें खुश नहीं होती खुश्क रहती हैं और फिर यहूदी किरदार के तजिए देखे फिर अल्लाह को उनके हक हाँ में फैसला देखा कि तुम जितना मर्जी खुद को जन्नत ही कह लो अल्लाह जन्नत में तुम्हें आमाल की बुनियाद पे लेगा तो हमें अपना मुहासबा करना है कि हमें जन्नत में जाने के लिए क्या करना है और साथ ही साथ इन सब से सबक सीखते हुए हमने अपनी इसलाह भी करनी है आप देखिए कि इंसान नया नया अमल शुरू करे ना कोई बात नहीं पांच तमाजें नहीं बढ़ी जा रही चार पढ़ लेंगे तीन पढ़ेंगे दो पढ़ेंगे इट्स ओके अभी रोना नहीं आ रहा बाद में आ जाएगा अभी बहुत तेज लग रहा है कोई बात नहीं अब थक गए कोई बात नहीं आते रहेंगे सुनते रहेंगे समझ आएगा असल सख्ती आती है जब बंदा बार 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 नेकी का काम का मौका भी हो उसके जिंदगी में हुतें भी तमाम हो फिर भी अमल ना बदले इसलिए अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तला हमें नबसे के सहाबा की वा वाला ईमान दे दे कि जो सुनते ही मान गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा की आखिर को नंबर दस है दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत यानी अमल दूसरे करें हाँ कुरान में पढ़ लेती हूँ ऐसा कोई रवैया था फरमाया और जब हमने बनी स्टाइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह किसी और दूसरों की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना इसी तरह रिश्तेदार यानी खराबतदारों यतीमों और मस्किनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना नमाजें कायम रखना और ज़क़ात देते रहा करना लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया आपको यह आयत पढ़कर लगा कि ये तो रात क्या आयता है बिल्कुल यही तरतीब आज मुसलमानों की भी है इनको टेन कमांडमेंट्स भी कहते हैं अहकाम में तो ये उमहाश हैं जो हर दौर में बिल्कुल सेम रहे उन्हीं में से एक चीज और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना कतन ना करना और आपस वालों को जिला वतन मत करना तुमने इकरार कर लिया और तुम इसके शाहिद बने रहे यदि तुम इसके गवाह बने रहे કેકિરફિર ભી તુમને આપસ મેં કતલ કિયા ઓર આપસ કે એક ફિરકે કો જિલા વતન દિકી ઓર ગુના ઓર જિયાતી કે કામો મેં ઇનકે ખિલાફ દૂસરે કી તaraf દારી કી હાં કે વો કાદી હોકર તુમારે પાસ આયે તો તુમ ઇનકે ફિદિયે દેતે થે તુમને ઇનકે ફિદિયે દિએ લેકિન ઇનકા નિકાલના જો તુમ પર હરામ થા ઇસકા કુછ ખ્યાલ ન કિયા બરી જબરદસ્ત હૈ થકે ભી હે ના તો ભી જરા સા ઇસપે તવज्जो કીજીએ અલ્લાહ તઆલા ફરમાતે આપા તુમે નૌના બી બા દિલ કી તા भी बात क्या बाज़ रखते हो और बाज के साथ कुफर करते हो तो मैं से जो भी ऐसा करे इसकी सजा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में किसाई और क्यामत के सख्त अजाब की मार और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं ये वो लोग है जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत के बदले खरीद लिया इनके ना तो अजाब हल्के होंगे और ना इनकी मदद की जाएगी अल्लाह उपर बनी इसराइल के साथ इस खिताब में मिसा के मदीना पूरा यानी मिसा के बनी इसराइल जो था ना टेन कमांडमेंट उसका तस्करा हुआ हम सब भी इन सारी आयतों को पढ़ते हुए देखे जरा कि अल्लाह की रजा को पाने के लिए हमें क्या करना है नंबर एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी आज के इस पारे के साथ ही अपने अली अमल की बात बनाए कि सिर्फ अल्लाह की बंदी बनूंगी वालदेन के साथ उसने सलूक करें आज जाकर अपने वालदे में से जो भी आपके पास है उनका शुक्रिया अदा करें आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ अमली तौर पे भी उनका कुछ अच्छा काम कीजिए फिर रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक है चलिए अभी रमजान नहीं आया आज मौका देख अपने चार पांच रिश्तेदारों को कॉल कीजिए ऐसी हालचाल पूछिए अहवाल पूछिए दौरे कुरान की दावत दे और अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मना लीजिए फिर नमाज पढ़ने और जक़ात देने पे अपने आप को चेक करना है भली बात कीजिए वकूलना अच्छी बात दीन का खुलासा है और यतीम और के साथ उसने सलूक कीजिए इस माशरे में कितने गरीब लोग आपकी मदद के मुंतजर हैं अरे मैंने देखा कराची में अलहमद्ला सोशल वर्क बहुत हो रहा है लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं पिलाए जा रहे हैं पता नहीं हक वालों के साथ ना हक के वाले भी खा रहे हैं कोई बात नहीं आप लोगों को ये और सुकून भी दे देगा, दे देगा। मजबूती से थामने की बात है अल्लाह की किताब को मजबूती से थामिए कोशिश करेंगे वजू मात नाकु बेखबा हमने हजरत मुसल्लाम को किताब दी और इनके पीछे और रसूल भेजे और मरियम को रोशन दलीलें दी और कुदुस से इनकी तायद करवाई लेकिन फिर जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी तुमने झट से तकबर किया बस बास को तो झुटला दिया और बास को कतल कर डाला देखे ये उनकी बहुत ही ज्यादा एक संगीनी थी कि हक बात सुनने की बजाय उस बंदे को ख़त्म कर दो ताकि ना रहे बांस ना बजे बा ये कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं नहीं नहीं बल्कि इनके कुफर की वजह से पड़े सब पढ़े ना ऐसे तो नहीं बड़ी मोहब्बत से खैर 88 ये कहते हैं हमारे दिल गिलाफ वाले नहीं नहीं बल्कि इनके कुफर की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है इससे पता चलता है कि जब दिल में ना होते हैं तो मोहर लगा देते हैं अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे और इनके पास जब अल्लाह की किताब इनकी किताब को सच्चा करने वाली आई हालांकि पहले ये खुद इसके जरिए कुफार पर फतह चाहते थे तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान देने के फिर कुफर करने लगे अल्लाह तला की लानत हो कुफार पर यानी जो जा अल्लाह की रहमत में नहीं आएगा वो उससे दूर हो जाएगा बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला और वो इनका कुफर करना है अल्लाह तला की तरफ से नाजिल शुदा चीज के साथ महज इस बात से जल कर ने अपना फजल जिस बंदे पर चाह नाजिल फरमाया इसके बायस वो ये लोग गज़ब पर गज़ब के मुस्तहक हुए इन कुफार के लिए रस्वा करने वाला अजाब है इस आयत को भी आप नोट कीजिए यहूद के दिल में हसत था जहलसी थी एनवी थी इसलिए नहीं माने सहाय कराम के दिलों में हसद और बुगस नहीं था आज भी हर वो बंदा आपकी दावत पे लबई कहेगा जिसके दिल में कोई नेगेटिव जज्बे नहीं होंगे तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे दिलों से बुगस और हसद को खत्म कर दे और जब उनसे कहा जाता है कि लक उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं कि वो जो हम पर उतारी गई इस पर हमारा ईमान है हालांकि इसके बाद वाली जो इनके साथ इसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफर करते हैं अच्छा इनसे ये तो दरियाफ्त करे अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कतल किया यानी अपने नबियों को कौन सा तुम मानते थे जो अब इनको नहीं मान रहे तुम्हारे पास तो तुम मूसा यही दलीलें लेकर आए लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा तुम हो ही जालिम। फिर जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर थूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी देवी चीज को मजबूत था और और हमने सुना और ना फरमानी की इसको हाईलाइट कीजिएगा और इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया के पिला दी गई बस बसब इनके कुफर के इनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईवान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो ये थे वो रवैया जिसकी वजह से हिदायत नसीब नहीं हुई हम सुनेंगे बहुत मानेंगे नहीं कहीं आज हमारा ये हाल तो नहीं बहुत कुरान सुनेंगे मानेंगे नहीं बहुत सारे कोर्सेज करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं अल्लाह ताला हमें सुनकर मानने वाला बना दे आप कह दीजिए कि अगर आखरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है अल्लाह के नजदीक और किसी के लिए नहीं तो आप अपनी सच्चाई के सबूत में मतलब करो लेकिन अपनी करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं मांगेंगे अल्लाह जालिमों को खूब जानता है जिसने अच्छे काम किए होते हैं ना उसका मरने को दिल करता है रिजल्ट जो मिलता है और जिसने पेपर में लिखा ही कुछ नहीं वो क्यों रिजल्ट का इंतजार करे अपने आपसे पूछिए मरने का सोच के खौफ आता है हो भी है देखिए एक फित्री डर तो होता है लेकिन मोमिन मौत से प्यार करता है और काफिर कहता है तुम हजारों साल और हर साल के हो दिन हजार कैसे बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी का हरीस आप इन्हीं को पाएंगे जिंदगी में मुशरकों से भी ज्यादा है इनमें से तो हर शख्स एक एक हजार साल की उम्र चाहता है वो ये उम्र दिया जाना भी इन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकता अल्लाह तला इनके कामों को बखूबी देख रहा है तो आय एटी सेवन से नाइनटी सिक्स में हैरत हो रही है कैसा ईमान है मुझे ऐसे लगता है कि आज हमारे ईमान पे भी फरिश्तों को हैरत होती होगी क्या कलमे पढ़ते रहते हो सवा सवा लाख बार लेकिन अमल तुम्हारे कब बदलते भी नहीं है तो अल्लाह तला ने इसमें अपने एहसान की बात की रसूल सल्लाम के आने पर यहूद के रवैये की बात की रवैये की असल खराबी का सबब क्या था फिक्र आखरत बदल गया आज भी मत मुस्लिमों के साथ यही होगा यहूद सच्चे हक परस नहीं थे और अल्लाह की रजा पाने वाले कामों की बजाय वो अपनी अपनी खुशी के काम करते थे तो अगर आज हम इस आज के दिन के दिन आखिर में अपना मुहासबा करें इस पारे की शख्सियत मैंने आपके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को रखा था पारे कैंड पे चंद बातें जरूर उनके नाम पे रखूंगी क्योंकि आज हमने शुरू में खुलासा भी किया सब किया ना तो इसलिए वक्त भी छोड़ दूंगी इनशाला ने चाहे तो इस थोड़े से इसे को बुरा कर लेंगे जो पीछे था लेकिन यहाँ से उठने से पहले अपने आप से चंद सवाल करें क्या हम सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के ही किस्से पढ़ते सुनते रहेंगे क्या हमारा दिल नहीं करता कि जब अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के नबी से खुशखबरियां मिली आज वो हमें भी मिले देखिए आप में से बहुत सी माएं बैठी हैं मैं आपको खुश करने के लिए कहूं आप जैसी माएं आज के दौर के अबू बकर को पैदा करेंगी आप जैसी नानियां आप जैसी दादियां शर्त एक है। पहली बात है आज की माँ की इसला कीजिए आपकी बहू बेटियां जिनकी गोदों में आपकी नस्लें पल रही हैं, उनको कुरान से जोड़िए खाने पक जाएंगे सफाइयां भी हो जाएंगी सब कुछ हो जाएगा लेकिन आपकी नस्लें नहीं समरेंगी अगर आपकी बच्चियों के हाथों में कुरान ना हुए बच्चियों के कुरान सुनने का कोशिश करें अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो आप बल्कि इधर से यूट्यूब से भी देख सकते हैं अभी भी उनको के घर से सुन लें फिर आप घर जाके डिस्कशन करें आग, बच्चों की माओ को तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप बड़े सुकून से बच्चों को भी बहला लें अपने घरों में रहते हुए सुकून से करें अगर कहीं जगह है और आप बैठ के सुने तो बहुत अच्छा होता है माहौल बनाना पड़ता है तो आज से ही नीयत कीजिए कि मेरा टारगेट सदीकियत का मुकाम है आप कहते हैं कि अंबिया और रसुल के बाद सबसे ऊपर का दर्जा सिद्दीकियत का होगा अबू बकर सिद्दीक के ऊपर रश खाना चाहिए एक हदीस बड़ी खूबसूरत है वो हुरैरा से रिवायत है और वो क्या है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी एक बैल पर बोझ डाले हुए से हाँक रहा था इस बैल ने इस आदमी की तरफ देखकर कहा मैं इस काम के लिए तो पैदा नहीं किया गया बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया लोगों ने हैरानगी और घबराहट में अल्लाह कहा और कहा क्या बैल भी बोलता जैसे आज आप भी सोच रहे होंगे तो आपने फरमाया मैं तो इसी बात पर यकीन रखता हूँ और अबू बकर और उमर भी यकीन रखते हैं अबू हुरैरा कि अल्लाह के, के नबी ने फरमाया एक चरवाहा अपनी बकरियों में था और एक भेड़िया आया और इसने एक बकरी पकड़ी और ले गया चरवाहे ने इस भेड़िए का पीछा किया यहाँ तक कि इससे बकरी को छुड़ा लिया तो भेड़िए ने इस चरवाहे की तरफ देखकर कहा उस दिन बकरी को कौन बचाएगा जिस दिन मेरे अलावा कोई चरवाहा नहीं होगा लोगों ने कहा सुखान अल्लाह तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूँ और अबू बकर और उमर भी इस पर यकीन रखते हैं जैसे ही मुस्लिम की रिवायत सिक्स वन एट थ्री आपको मुझे इसमें क्या अमल की बात मिली है अबू बकर और उमर के ईमान की नफ्सलम ने दो दफा गवाही दी और अबू बकर के घराने से हमेशा बरकतें मिलती थी एक मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका का हार गुम गया और ढूंढने ढूंढने में नमाज चली गई और फिर जब सलातुल कसर और इसी तरह तो नाजिल हुई ना तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पे एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला बोला था कि आले अबी बकर ये कोई तुम्हारी पहली बरकत तो नहीं है यानी बक, वो बकर के घर से तो हमेशा बरकत मिली तो मैं आप सबको भी इस दुआ के साथ फारिग करती हूँ कि अल्लाह तला आपको मुझे बरकतों वाला करे हमने आज से ही डे वन से अपने लिए गोल बनाना है आप अगर थोड़ा सा मजीद काम करना चाहते हैं तो पूरे पारे में से डूस ढूंढिए क्या करना है क्या नहीं करना आप अपने पास मुसफ में पिंक से डूस और येलो से डोंट्स को जमा कर सकते हैं पारे की दुआ याद कर लीजिए जो सुरु आते है और एक दूसरी जो गाय के वाक्य में हमने पढ़ी थी क्या या नकून मिनल जिन तीसरी तीसरा आपका होमवर्क क्या है कि आपने अल्लाह मारिन अशिया कमा और अल्लाह मारिन इत हो देख लेना इनशा और इसी तरह पूरे पारे में से रदी वरदू अन के दर्जे पे जो पहुंचने वाले अमल है उसको करना है अल्लाह तला आप सबसे राजी हो जजाक खैर सुखान श्ला अस्तक

आप भी जन्नत में दाखिल हो बरकातहू कोई सवाल कोई कमेंट कोई फीडबैक है आप लोग लिखिए और रिसेप्शन के पास एक बास्केट में डाल जाइए को लेके कोई ऐसी चीज जो फायदे की होगी तो कल इंशाल्लाह उसको शेयर करूंगी ठीक है जी बरकातहू जी वालेकुम असल वीजा जज़ा अल्लादल्लामीन बहुत ही खूबसूरत आज का सेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कैसा आपको फील हुआ डियर सिस्टर्स असलाम्लैक्म वरह